जननायक श्री MGR अपने स्वभाव, अपने चरित्र और अपनी साफ सुथरी छवि के कारण आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। जहां राम जैसी छवि वाला इंसान हो, वहां रावण न हो, यह नामुमकिन है। ये राम और रावण कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होते हैं, पर हर इंसान में इसका अनुपात अलग अलग होता है। इन दोनों चरित्रों में जब अपने अपने अस्तित्व को अधिक उभारने की कोशिश चल रही होती है तो इंसान की जिंदगी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेरा नाम है राम, रामचंद्र। मैं शक्तिशाली हूं, मैं किसी से भी जीत सकता हूं, मैं चाहूं तो कुछ भी साबित कर सकता हूं। मैं बुद्धिमान हूं, मैं किसी भी समस्या को सुलझा सकता हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूं। जब मेरा जन्म हुआ था उसी दिन प्रखर नेता MGR का भी जन्म हुआ था, और जिस महीने में मैं जन्मा था उसी महीने में जयललिता का भी जन्म हुआ था। मेरे जन्म के समय में ही सुपरस्टार रजनीकांत का भी जन्म हुआ था। इस धरती पर सारी स्पेशलिटीज सिर्फ मुझ में ही हैं। हेलो, अगर वहां से कूदोगी ना तो मरोगी नहीं। कहां से कूदना है मैं वहां आकर बताता हूँ। वेट, ये सारे आइडियाज देकर मुझे बचाना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं यूजुअली ऐसा आदमी नहीं हूँ। अभी तक 3 मौत देख चुका हूँ लेकिन एक भी आत्महत्या नहीं देखी है। अगर इस हाइट से कूदोगी तो सिर्फ हाथ पैर ही टूटेंगे और आपके शेप को नकली टांग अच्छी नहीं लगेगी। जहां से मैं बोलूंगा वहां से कूदोगी तो कंफर्म मर जाओगी। आओ आओ, आपका मन बदलने से पहले चलते। आओ आओ आओ। वैसे ये डिसीजन क्यों लिया, क्या हुआ? पढ़ाई के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। पढ़ी लिखी हो बोल रही हो, बुद्ध के बारे में नहीं जानती? क्यों, उनके बारे में जानूंगी तो सुसाइड नहीं करूंगी। वो जब चलते थे तो बगल में रोशनी दिखती थी, उनके नाम में ही एक ऑरा है। वो जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं वैसा क्या? एग्जैक्टली। उसका और मेरे सुसाइड का क्या कनेक्शन है? देखो, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो बुरी सोच नहीं आएगी, और नेगेटिव सोचेंगे तो मरने के लिए हमेशा तड़पते रहेंगे। इतनी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हो, क्या कभी तुम्हें सुसाइड का आइडिया नहीं आया? आया तो था, मैं कलेक्टर बन जाऊं ये मेरे पापा की इच्छा थी। मगर 4 बार फेल हो गया था, उस समय मुझमें सुसाइड करने की सोच आई थी। तुमने पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए। नो, मेरे अंदर एक बुरा आदमी है, वही सेकंड थॉट है। जब भी मैं अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता हूँ तभी वो आके बर्बाद कर देता है। डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? छी, ये बीमारी नहीं है, ये तो प्रॉब्लम दुनिया में सबको होती है। बेवड़ा आज से दारू नहीं पियूंगा ऐसी कसम खाता है, मगर दुकान बंद करते समय उसके अंदर का बुरा आदमी उसे कन्विंस करके दारू पिला ही देता है। अगले दिन सुबह वही कसम, वही बुरा आदमी और वही दारू। वही बुरे आदमी का एक रूप होता है, तो उसका बोलना इजीली अवॉइड करके हम जीत सकते हैं ना। सो मैंने ही उसे एक रूप देने का फैसला कर लिया है। मैं जिस को पसंद नहीं करता उनके फोटो सिलेक्ट करके उनकी आंख, कान, हाथ, पैर, सर के बाल ऐसे एक एक सिलेक्ट करके सिस्टम में चढ़ाया है। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आने वाला रूप ही मेरे अंदर होने वाला वो बुरा आदमी है। बुरा आदमी बोल रहे थे, ये तो देख के कॉमेडियन लग रहा है। हकीकत में विलन सारे ऐसे ही होते हैं, उनको ढूंढ निकाल के ऑफ करना ही अपना चैलेंज होता है। समझ में आया? जब भी मेरा माइंड बुरा सोचता है तब मैं ऐसे सोच लेता हूँ कि वो आने तो वाला क्या है। ये कभी अच्छे काम नहीं करेगा? Sometimes, भला करने जैसा लगेगा, यकीन कर लेंगे तो फंस जाएंगे। उनका नाम मैंने नाम्बिया रखा है। समझ गया, मेंटल गेम बोल के फिजिकल गेम खेल रहा है। फेस खाली वेस्ट है पर पीस बहुत ही सही है भाई। अपने एरिया में तो टोस्ट और बटर देख देख के ही दिल भर रहे थे, अब मस्त बर्गर हाथ लग गई है। सोच क्या रहा है, पकड़ ले। केला तो हर सीजन में मिलेगा लेकिन आम हर सीजन में नहीं मिलता है। अरे सोच क्या रहा है, आम का सीजन निकल जाएगा और तू देखता ही रह जाएगा। हेलो, कहाँ खो गए? बुरा आदमी आ गया था। मुझे तो नहीं दिखाई दिया। हेलो, मैंने जो रूप सोचा था वो तुम्हें कैसे दिखेगा? कुछ बुरा सोचूंगी तो दिखाई देगा ना। तुमने क्या बुरा सोचा था? वो तो जो भी हो खुल के बताओ।
खुला हुआ है वही परेशानी है। इसके बाद ऐसे टी शर्ट मत पहनना, वैसे पहनोगी भी तो ऊपर का बटन बंद करना। आ गया समझ में, उसने क्या बोला होगा समझ में आ गया। यही मेरा क्रिएट किया हुआ माइंड गेम है। अपने अंदर के नाम्बियार को थोड़ा थोड़ा जीतेंगे तो हम सभी लोग MGR हैं। तुम्हारा स्पॉट आ गया है, मैं निकलता हूँ। सुसाइड देख के नहीं जाओगे? इसके बाद तुम सुसाइड नहीं करोगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम अभी मेरे पॉजिटिव दायरे में खड़ी हो, उसको देख नहीं सकती, बस फील कर सकती हो। और खर्चा मुझसे नहीं हो रहा है। राम प्रसाद जी, आपकी बेटी स्टेट टॉपर है प्लस टू में। हाँ, उसकी आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं आप? और इधर देखिए, मेरा छोटा वाला राम गवान केस है। तेरा बेटा हो गया? जानता हूँ भाई, इस लंगड़े घोड़े पे ही फोकट का खर्च किए जा रहा हूँ। तुम्हारे पास तो रेस का घोड़ा है यार, ऐसे ही ध्यान दो उस पर। माँ क्या कर रही हो? माँ क्या है रे? IAS मतलब फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद 18 मेन एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके बाद दिल्ली में इंटरव्यू होगा, वो खत्म होने के बाद पुलिस इंक्वायरी। तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मैं कलेक्टर बनने वाली हूँ क्या? आसपास में सब पुलिस मेरे बारे में इंक्वायरी करेगी और मेरे बारे में लोग गलत बोल देंगे तो उसके बाद रिजेक्ट बोल के सीधा सील मार देंगे। ये सब तो पढ़ने वाले सोचेंगे, पढ़ने का नाटक करने वाला ये सब क्यों सोच रहा है? देख मुझे बहुत काम पड़े हैं, इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तू तो पापा के बारे में जानता है ना? हाथ दिखा, हाथ दिखा अपना। क्या कवरिंग है? कॉन्फिडेंस। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद खरीद के दूंगा बोला था ना? एग्जाम के समय इयररिंग तेरी नजर के सामने रहेगी, तुझे पता चलेगा कि भाई तेरे ऊपर कितना भरोसा करता है। उसके लिए अच्छे से लिखेगा, लिखेगा ना? थैंक्स भाई। मालती। हाँ? क्या ये? नारियल की खीर है। हाँ? नाराज मत होइए, मुझे पता है आपको पसंद नहीं, लेकिन एग्जाम खत्म होने तक मैं अपने बेटे की पसंद का ही खाना बनाऊंगी। पसंद आए या नहीं, आपको वही खाना होगा। पिताजी को रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारने वाला बेटा, पिताजी को खाना खिला के बचाने वाले बेटे का फोटो कभी पेपर में आया है क्या? और आएगा भी नहीं। इसने अपने बाप को दौड़ा दौड़ा के मारा, तब जाकर ये अखबार के पांचवे पन्ने पर आया। तुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा। कितनी देर से समझा रहा हूँ तुझे, बात तेरी खोपड़ी में घुसती नहीं है क्या? ये एड़ा सोच क्या रहा है, घाव पे नमक डालने जैसा तेरा बाप तुझे जब देखो सुनाता रहता है। मेरी बात मान, उसके गर्दन के नीचे एक रख के मार और उसकी गर्दन टेढ़ी कर दे। और तेरी भाभी खुद को किसी 5-स्टार होटल की शेफ समझती है, मेन्यू कार्ड लाके देती है, तुझे जो पसंद आएगा वही सबको खाना पड़ेगा। एक्टिंग तो एक्टिंग, अरे रे ऐसी एक्टिंग, मैं तो बोलता हूँ दिवाली में चक्री पटाखे के अंदर लक्ष्मी पटाखा डाल के उसको जलाने बोलेंगे, उसका हाथ ही जल जाना चाहिए। अब बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे देखने के लिए मेरा भाई है। कौन भाई? वो कंगारू जो चश्मा पहन कर यहाँ वहाँ घूमता है वो? अरे रे वो तो बहुत बड़ा सेल्फिश है, 4 तोला सोना पहन कर तुझे नीचा दिखाना चाहता है। बाहर वालों पे यकीन मत करना, सब झूठे हैं। यकीन करना है तो खुद पर या फिर मुझ पर कर। नाम क्या है तेरा? रघु। क्या है ये? गाड़ी का कागज है सर। ए, रोक 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 रोक। राजा राज सर, चलिए चल उतर, चल। ठीक है सर, चल जल्दी आ। सर ये इसकी गाड़ी की चाबी है सर, ये इधर से बच के निकल रहा था। नहीं सर, भूख तो पीने के बाद अमरूद खाकर आएगा तो सस्ता में पता नहीं चलेगा। क्या अमरूद? सर मैंने सैलड खाया था सर। क्या कहा? सैलड खाया था? ए, उसको छोड़। अरे पीने वाले ऐसे ही बोलते हैं, चल जाके कोने में खड़ा हो जा। चल जाएगा नहीं? ओके सर, ओके ओके। क्यों यार, क्या है ये? वो लोग बॉटल मनी टीम के हैं, उनको रोक रहा है। थोड़े दिनों में इंस्पेक्टर बनूंगा, ये मेरी नाव डूबने वाला है। पागल है यार तू, पी के गाड़ी चलाने वालों को ये सल्यूट मार रहे हैं और तू सीधा साधा तुझे बेवड़ा कह रहे हैं। अभी मैं क्यों आया यही सोच रहा है ना? अरे ये कोई आदमी है जिसके सामने तू हाथ बांध के खड़ा है? तेरी आत्मा हूँ ये सोचकर आज मुझे शर्म आ रही है। अब सुन, खाकी कपड़े पहनने वाले सब कमिश्नर नहीं होते। हाथ निकाल रे, निकाल। आर्म्स को टाइट कर। हा? अब अपनी सांस अंदर खींच के चेस्ट को बाहर निकाल। पुलिस को देख के तेरे पैर कांपेंगे तो थोड़ा संभालना। अब मेरे डायलॉग को बिना मॉड्यूलेशन चेंज किए सही टाइमिंग पे मारना, थोड़ा भी मिस किया तो उधेड़ देंगे तुझे। अब बुला उसको। पांडियन। ए,
पांडियन नहीं, पांडियन ऐसे बुला, बुला उसको पांडियन। मैं पटाखे बाबू का आदमी हूँ। मेरा नाम रवि, वैसे मेरा एक और नाम है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे काम के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप नहीं, तू तू जान लेगा तो तेरी पैंट गीली हो जाएगी। मैं तुझे 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, चाबी मेरे हाथ में आनी चाहिए। देख तेरे हाथ कांप रहे हैं, ये तो अच्छा है, ये पगले तेरा मुंह देख रहे हैं, अपना हाथ टाइट कर। यार ये तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ये देखो जैसे मंदिर में प्रसाद लेने जा रहा है वैसे हाथ आगे कर रहा है। अरे उसे जेब में डाल। सर ये तो पॉकेट में हाथ डाल के ऐसे खड़ा है जैसे कोई बहुत बड़ा गुंडा हो। सर इसकी चाबी दे दीजिए सर। अरे धीरे 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 आराम से चल, थोड़ा स्टाइल मार, इन्हें शक हो जाएगा। हाँ ये हुई ना बात, अब बिना घबराए एक ही किक में बाइक स्टार्ट कर, ठीक है? अरे क्या कर रहा है, एक किक में स्टार्ट करने को बोला था। अभी सनग्लासेस निकाल और पहन ले। रात में सनग्लासेस पहनने क्यों बोल रहा हूँ सोच रहे हैं ना, राउडी लोग रात में ही सनग्लासेस पहनते हैं। चल पहन। ओ गड़बड़ राजा, देख के आंख में मत घुसा लेना। अब वो पुलिस वाले को एक ठसन में लुक दे। हाँ अब चल। दिखता प्यारे वो होता धोखा धोखा धोखा, सच को छुपाने का झूठ ही होता मौका मौका मौका। Movie toad, you know me like the way I movie toad. And when you movie, everybody going crazy now. Movie toad, you know me like the way I movie toad. When this had a movie lost, hopeless missing. के रोड में गिर जाए घर की सीन बन जाए जब दिखे कोई लड़की। दारू 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 पी के रोड में गिर जाए घर की सीन बन जाए जब दिखे कोई लड़की। बज जाए घंटी टन टन टन, होता है पागल दिल कितना। लफ लफ लफड़ा लफ लफ लफड़ा, होता है लफड़ा ओ यारो ओ यारो ओ यारो। फीलिंग्स है पता ना दिमाग को, शराफत चली रे सुइसाइड करने को। दिल में क्या फीलिंग्स है पता ना दिमाग को, शराफत चली रे सुइसाइड करने को। होट है सबकी नियत में, टप कर लर टप का। कुड़ी 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 का, कुड़ी 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 का, होता है लाइफ में मिठास भर मिठास भर मिठास भर। श्रवण शादी में क्यों नहीं आया? आया होता तो टाइम का पता ही नहीं उसका चलता। तो टाइम ही ठीक नहीं है। क्यों क्या बात है? उसकी बेटी एक लड़के के साथ रोड पर खड़े होकर बात कर रही थी, ये उसने देखा। ओ, वो तो बड़ा गुस्से वाला है। सीधा जाकर उस लड़के की शर्ट पकड़ लेनी चाहिए थी। अगर लड़का अपनी शर्ट निकाल के भाग जाता तो? ये भागा और लड़का उसके पीछे था। आजकल ऐसा ही चल रहा है, बाप आके भागता है पीछे लड़का दौड़ाता है। लड़की पैदा करना तो ऐसा हो गया है जैसे पाप हो गया हो। ये सब जनरेशन गैप है, हमारी औलाद हमें समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हम रिटायर भी हो गए हैं, क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? रिटायर होने का मतलब सिर्फ आराम थोड़ा ही है। मैं भी 60 साल का हो गया हूँ, 20 साल की एक बेटी भी है मेरी। आज भी
किस दिन किस कलर की ड्रेस उसे पहननी है, जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही पहनती है वो। अच्छा, तो आज तो बुधवार है, आज कौन सा कलर? बुधवार मतलब हरा कलर है सारा। जरा वो कलर दिखाइए, पिंक बॉर्डर साड़ी। मैं फुल अमाउंट कैश पे कर दूंगी, लेकिन आप मेरे लिए इस साड़ी का 4,000 रुपीज के बिल की जगह 800 रुपीज का बिल प्रिंट कीजिए, और उस लुंगी और शर्ट के 2,000 रुपीज के बिल की जगह 500 प्रिंट कीजिए। अरे मैडम, सब लोग कम रेट में खरीद के ज्यादा रेट का बिल बनवाते हैं, लेकिन आप तो। आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, वो लोग ये ड्रेस पहनेंगे तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी, लेकिन वो इतना कॉस्टली पहनेंगे नहीं। मेरे पापा को पता चल जाएगा तो वो रिटर्न भी कर सकते हैं। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, ऑफिस से सीधा घर। हाँ भाई। और घर से सीधा ऑफिस, यहाँ गई वहाँ गई, उसको देखा इसको देखा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ पहुँच जाएगा। क्या फायदा है देख के, अपनी बेटी को तो फोन पसंद ही नहीं है। किसने बोला? पापा सेल फोन खरीद के देंगे तो कोई फोन करेगा, मैसेज भेजेगा, अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करेगा, ये सब झूठ बोल रही है या सच है ये जानने के लिए फोन दे रहा हूँ उसे मैं। क्या बोल रहे हैं, अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा कोई बोलता है? नजर तो रखनी पड़ती है ना, कोई उससे भीड़ में धक्का मारते हुए जा रहा था। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये तो पता चलेगा कि कहाँ जा रही है। ये पता चल जाए कि किसके साथ घूम रही है तो उसे हटाने के लिए ही ये GPS फोन खरीद के दे रहा हूँ उसे। सॉरी सॉरी एजी, वो लड़का लंबा है क्या? हाँ। येलो टी शर्ट पहना था। अरे ऐसा लग रहा है जैसे देख रही हो। देख कर ही तो बता रही हूँ। हाँ? वहाँ देखिए। हाँ? लगता है उसके साथ पिक्चर देख कर आ रही है। हमने तो उसे देख लिया, कोई दूसरा उसे देखना नहीं चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, बैठ जाइए। क्यों, तुम्हें टेंशन नहीं है क्या? सिर्फ मुझे ही टेंशन है? फोन बज रहा है, उठा लीजिए। टेंशन नहीं होगी तो और क्या होगा? टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ बोलो महेंद्र। मेरी बेटी एक लड़के के साथ बस में जा रही है। बहुत ही अजीब एरिया है यार ये तो, यहाँ आसपास में बहुत सारे लॉज हैं। तुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है क्या? लड़का कैसा है पता है? पीली टी शर्ट पहनी है क्या उसने? थोड़ा लंबा और गोरा सा है क्या? बिल्कुल वैसा ही है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी बिगड़ गई है ये बात मैं। तू बर्बाद होने वाला है ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अपने मन में दबा कर रखूंगा। अरे तूने देख लिया, मुझे इसी बात की चिंता है। ये सब मैं किसी को बता दूंगा यही डर रहा है। जब पीते समय कोई साथ में बैठा होगा तो ठीक है। रुक, मैं बैठता हूँ तेरे साथ। तू तो नहीं पिएगा? तू पिएगा ना, वही मुझे चिंता हो रही है, पीकर बड़बड़ करेगा। हाँ। इसीलिए अब मैं तेरे साथ बैठूंगा, तेरे लिए दारू खरीदूंगा, तुझे दूंगा, फिर तुझे घर पे छोड़ देगा ना। पापा मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। ये देखिए पापा के लिए ये रेशमी लूंगी और मम्मी के लिए आपका पसंदीदा रंग, अच्छा है ना? साड़ी अच्छी है बेटी, लेकिन तूने जो किया वो अच्छा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? इतनी बड़ी बात तूने हमसे छुपाई? नहीं पापा, पता चलेगा तो आप चिंता करेंगे इसलिए। तो फिर खुश कौन होगा? कितने दिनों से चल रहा है ये सब बताओ। अभी अभी जॉब स्टार्ट करने के बाद। ओहो, नौकरी पे जाना शुरू कर दिया तो अपनी मर्जी से फैसले लेगी तू? नहीं पापा, कपड़े कॉस्टली आप कहेंगे इसलिए मैंने कम रेट का बिल बनवाया। मैं बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। रंगनाथन स्टेट में किसी के साथ चिपक के जा रही थी, कौन था वो? हाँ रंगनाथन स्टेट में
लाखों लोग जाते हैं पापा, उसमें से कोई पास आ गया होगा। और फिर थिएटर से पिक्चर देख के उसी लड़के के साथ निकली थी ना माँ। ये देखिए थिएटर के पास कृष्णा स्वीट्स है, आपको पसंद है इसलिए खरीद के लाई थी, जस्ट अ कोइंसिडेंस। बस मैं भी उसी लड़के के साथ जा रही थी, वो भी कोइंसिडेंस था क्या? ओहो पापा, कालिका मंदिर में आप दोनों के लिए मैं पूजा करवाने गई थी। बोलो बोलो, कालिका अम्बाल मंदिर, कृष्णा स्वीट्स, रामा स्वीट्स, जितना झूठ बोल सकती हो बोलो तुम। तू कुछ मत बोल, जो तेरे पापा बोल रहे हैं वही सही है। तूने तो इतनी बड़ी गलती की। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ए, और क्या करना बाकी है? एक लड़के के साथ घूम कर आ रही हो और बोल रही हो कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, ये लुंगी शर्ट ये सब मैंने आपके लिए ही खरीदा है। क्या? ये मेरे लिए है? हैं? मैं पहनूं इसे? कैसे पहनूं मैं? बड़ी लुंगी चाहिए, बड़ी नहीं चाहिए मुझे ये सब। हैं? शराफत, शराफत से खरीद के लाई है, तुम ही पहन लो इसे। साड़ी लाएंगे, लुंगी लाएंगे, लड़के के साथ घूमती है। चलो भाई स्टॉप आ गया है, उतरो, सब लोग अब हंसना शुरू कर दो। 1 2 3 बिना रुके हंसते रहो सब लोग। हंसते रहो। ए, बहुत हो गया, चुप हो जाओ अब। हेलो पापा। क्या बेटी, तुम्हारे पापा और मम्मी जिंदा रहे ये नहीं चाहती हो क्या तुम? पापा, ए, कितनी बार बोलूंगा मैं, अकल नहीं है तुझे? नहीं सुधरेगी तू? क्यों उसके साथ घूम रही है तू? पापा, आज मम्मी ने मुझे टिफिन नहीं दिया है, इसलिए होटल में आके खा रही हूँ। मैं किसके साथ घूम रही हूँ? बहुत झूठ बोलने लगी है। कौन खड़ा है तेरे साथ? वो ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है उसने, उसके टी शर्ट पे नंबर भी लिखा हुआ है, 2 नंबर। उस 2 नंबर आदमी के साथ घूम रही है तू? तेरे पास ही आ जाऊँ क्या? लेकिन छोड़ो, बदनामी हो जाएगी तेरी, मेरे सारे दोस्त भी उसे देख लेंगे, बस इसीलिए वहाँ पर नहीं आना चाहता मैं। पापा वो कौन है? मुझे क्या पता कौन है ये। एक्सक्यूज मी, मुझे बुलाया? आप बहुत हैंडसम हैं, अच्छी हाइट, प्रॉपर वेट, आप जैसे स्मार्ट को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन आप मुझसे ही क्यों प्यार करते हैं? मैंने आपसे कब बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? डोंट एक्ट, इसके बाद मुझे फॉलो किया तो मैं दूसरी तरह डील करूंगी। हेलो, आप कोई खूबसूरत नहीं हो, एवरेज वेट है, हाइट भी कुछ खास नहीं है, आपको कोई प्यार नहीं करेगा, और मेरी बात तो छोड़ ही दो, समझ गई? और सच्चाई तो ये है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। झूठ, कल सुबह टी नगर में, बाद में दोपहर को थिएटर के गेट पर, शाम को बस में, सब जगह तुमने मुझे फॉलो किया है, मेरी फैमिली देख चुकी है। हो हाँ ये सच है, टी नगर में मैं शॉपिंग के लिए गया था, थिएटर गेट में बुक्स खरीदने गया था, मेरे फ्रेंड्स को देखने के लिए पेरिस कॉर्नर गया था। चेन्नई का एरिया भी बहुत छोटा है ना, एक बार जिसे देखो तो बार बार हमें वही दिखता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। ओए चुप रहो, ये तुम्हारे लिए फाइनल वार्निंग है। अरे कुछ तो, अभी मैं कोडम्बाकम, वड़ा पटनी, मामबलम, इन सब जगह पर जाने वाली हूँ। ये क्या लिख रहे हैं? कोई भिखारी तेरा पति बनेगा। ए, चेन स्मोकर पति मिलेगा। ए, तेरी शादी मुश्किल से होगी, किस पे नहीं कर सकती है। अगर आगे कभी मुझे दिखाई दिए तो याद रखो मैं बातें नहीं करूंगी, देख लूंगी तुझे। ए, चेहरे पे पानी डाल दूंगा, जाओ। छोड़ूंगी नहीं तुझे। निकला। ये तो सच में गुंडा मवाली है। वड़ा पटनी मामबलम। ए, कपड़े चेंज मत कर। सुन जरा। क्या है माँ? तेरे मामबलम बोलने के बाद मुझे ये याद आ गया, तुरंत जाकर ये ट्रेन टिकट कैंसिल करके आ। मामबलम? नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। सासू माँ, ये भी एक है, उस टिकट को मुझे दे दीजिए, मैं जाकर कैंसिल करवा दूंगी। परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? छोटू बिजी है ना। लाइए मुझे दीजिए। अरे तू तो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जा रही थी ना। वो सब कल भी हो सकता है सासू माँ, मैं फोन करके बता दूंगी। भाई टेंशन में पड़ जाएंगे ना। पड़ भी गए तो मैं संभाल लूंगी। अरे उनका भी एक जरूरी काम था ना। हाँ हाँ सासू माँ, फोन करके बता दूंगी, वो आते वक्त खुद ही कर लेंगे। पापा को भी फोन करने वाले हैं। तुम्हें जरूरी काम है ना, और इस टिकट को अगर मैंने 1 घंटे में कैंसिल नहीं किया तो पैसे चले जाएंगे। कैसा बेटा है तू, हॉस्पिटल में जाने वाली टिकट कैंसिल करने जा रही है, पर तुझे नहीं जाना है, उसे तो फॉर्म भी फिलअप करने नहीं आते। सासू माँ, वहाँ कोई ना कोई होगा ना, उससे रिक्वेस्ट करके फॉर्म भरवा लूंगी मैं, आप फिक्र मत कीजिए, चलिए चलती हूँ। दीजिए टिकट, मैं ही कैंसिल करा के आता हूँ। अरे छोटू, 1 घंटा ही है, ये सोचकर तेज मत चलाओ, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए तो संभल कर जाना, लेकिन करेक्ट टाइम पे पहुँच जाना। हाथ टूटे या पैर कोई परवाह नहीं, सिर्फ पैसे की जरूरत है। रिवर्स में परफॉर्मेंस कर रही है, इसके चेहरे पे तो बैंक करके पंच मारना चाहिए, तभी इसकी एक्टिंग बंद होगी और अकल ठिकाने आएगी।
कैंसलेशन। कमाल हो गई यार। ओह माय गॉड। हेलो, तुझे अपने घर वालों की इज्जत की जरा भी चिंता है कि नहीं? हमेशा बेशर्मों की तरह मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। नहीं नहीं, मैं तो वो कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। अरे नहीं, मैं आपको वेट, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, यही कह रहे हो ना? सही कहा? मेरे पीछे जो चार लड़के खड़े हैं वो आप ही को देख रहे हैं। आपको इम्प्रेस करने के लिए मुझे मारने आएंगे, उसके पहले मैं उनकी बहुत ही अच्छे से धुलाई करूंगा, फिर अफरा तफरी मचेगी, उसके बाद ये मैटर मेरे घर तक पहुंच जाएगा। इसमें इतनी सारी परेशानियां हैं, सो मुझे गंदी गाली भी दे दीजिए, लेकिन हंसते हुए मेरी तरह कूल बात करेंगी तो देखने वालों को ऐसा लगेगा कि हम दोनों फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। या प्लीज कंसिडर। ठीक है गली के छपरी, तो फिर बताओ यहाँ पर क्यों आए थे? मेरे पापा तिरुपति के लिए टिकट कटा कर लाए थे, उसे कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पे आया था, उतने में आप मिल गई। क्या कोइंसिडेंस है ना? अबे तेरी शक्ल देखकर तो कोई भी बता देगा कि तू कितना बड़ा फ्रॉड है, रोड पर पड़ा हुआ टिकट उठाकर ड्रामा कर रहा है। आई हैव डिसाइडेड टू कॉल द पुलिस। अगर आप पुलिस में जाएंगी तो मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा कंसीडर करो ना। सरोजा भी बनने वाली थी, तीन बार ट्राई कर चुकी है लेकिन नहीं बनी, इसलिए मैं तुझे माफ करके छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। कौन है वो सरोजा? मैं ही हूँ। सच में बहुत बड़ी कॉमेडी हो गई। लेकिन अंदर लगने वाला डर अभी तक गया नहीं है। अरे मैंने कहा ना माफ कर दिया, क्यों टेंशन ले रहा है? वन सेकंड। मेरे पीछे 5517 एक टकला चाबी बिना डाले बार बार किक मार के बाइक स्टार्ट कर रहा है ना? हाँ कर रहा है। रेड कलर टी शर्ट पहना हुआ लड़का ब्लैक कलर टॉप पहने वाली लड़की को अपने हिसाब से कन्विंस कर रहा है। हाँ सही कहा। वही लड़की कूलिंग ग्लास पहनने वाले लड़के को लाइन मार रही है या नहीं? हाँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? लाइन मार रही है या नहीं? यस सुपर। बाद में देखा ना, मिस हो गया। क्या? ये एक माइंड गेम है, एक सेकंड पीछे मुड़ के देखते ही देखी हुई 10 चीजों को बता दूंगा, अपना माइंड क्लियर हो तो सब बता सकते हैं। कंफ्यूजन, डर, ये सब बिना मतलब का कचरा होगा तो माइंड हैंग होकर काम करना बंद कर देगा। फोन का इनबॉक्स फुल होगा तो नया मैसेज नहीं आएगा, ठीक वैसे ही ना? ओए ओए क्या बात कही है तुमने? माइंड ऐसा ही है ना। अभी मेरे थोड़े दूर जाने के बाद ही आप मुझे पुलिस से कहां पकड़वा देंगी ये मैं अंदर देख ही रहा हूँ, और उसी डर से मैं एक साथ बोल नहीं पा रहा हूँ। इसी कंफ्यूजन में पढ़ूंगा तो देखना 10 में से 3 या 4 ही मेरे माइंड में रिकॉर्ड हो पाएगा। और इस साल में मेरा आईएएस का सपना सपना रह जाएगा। आप जाइए, मजे से जाइए, मैं टेंशन में जा रहा हूँ। ओके, बाइक निकालो, तुम ही से कह रही हूँ, बाइक निकालो। निकालो। क्यों जी, आपके घर का कोई देख लेगा तो? डरो मत, वो लोग एक शादी अटेंड करने के लिए ताम्रम गए हैं। रुको रुको रुको, यहाँ से मैं बस से ऑफिस चली जाऊंगी। ओके ओके, अब रिलैक्स हो गए ना? हाँ। आप क्यों हंस रहे हो तुम? सॉरी। तुम्हारा टेंशन दूर हो जाए इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई। थैंक्स। कल कौन से एरिया से गुजरोगी? किस लिए? पता चलेगा तो उस एरिया की तरफ देखूंगा भी नहीं ना। अरे यार। ओके ओके निकलो, बाय। सरोजिनी नायडू से सरोजा? नहीं वो सब मत सोच, गलत है। नसीब लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है, पर तेरा नसीब तो तेरे बेडरूम के बेडरूम का दरवाजा ही नहीं। कोई बात नहीं, मौके का फायदा उठा। मैं बिना मतलब के डाइवर्ट नहीं होऊंगा,
मेरा पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई पर ही है। मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तू और वो लड़की कोलंब बीच पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर एक दूसरे के गले लगेंगे तो कैसा रहेगा? अरे यहाँ अच्छा पे ही क्या रहेगा? चीजें फैला के रखी है? और ये मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर कोई लड़की बाइक पे दोनों पैरों को एक तरफ करके बैग बीच में रखकर बैठे तो वो कभी पटने वाली नहीं है। अगर वही लड़की बाइक पे दोनों पैर अलग रखकर बैठे और बैग बीच में रखे तो समझना कि वो बहुत ही होशियार लड़की है। अगर कोई लड़की बीच में रखे बैग को उठाकर अपने पीछे रख दे तो वो लड़के से पूछ रही है तू मुझे कब पटाएगा। अब बता वो लड़की उस दिन तेरे बाइक पर कैसे बैठी थी? रिवाइंड में जा। तुम्ही से कह रही हूँ बाइक निकालो। कोलम तो पब्लिक प्लेस है, वहाँ कैसे वो? पब्लिक प्लेस में तुझे डर लगता है तो तेरे पहचान के किसी प्राइवेट प्लेस में बुला ले। घर में तो माँ पापा सारे लोग रहेंगे, उन सबके सामने वो अंदर आ सकती है? तुम्हारा भाई 10 बजे भाभी को लेकर रूम में चला जाता है, उसके बाद दूध वाले के आने तक वो निकलता रही है। तुम्हारे पापा चश्मा निकाल के रख दे तो उन्हें चश्मा ढूंढने में एक दिन लगता है। और तुम्हारी माँ कितनी बेवकूफ है ये तुम्हें पता ही है। इन 3 इडियट्स को बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है? तू बोल रहा है वो सही तो लग रहा है। तेरे पापा खाना खाकर चले गए, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जब देखो तब अकेले में बातें करते रहता है। तेरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्या वो क्या बोल रहे थे? तुझे मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करना चाहिए। वो सब छोड़, खाना खाने आ जा। कहाँ जा रहा है? खाना खाने। अरे फोर्थ इडियट, खाना तो तू कभी भी खा सकता है। पहले उस लड़की को कहाँ बुलाए वो सोच। आसानी से पटने वाली लड़की और इंटरवल में आने वाला कोन आइसक्रीम हाथ लगते ही टेस्ट कर लेना चाहिए, वरना वेस्ट हो जाती है। हाय, मैं रुको रुको, मैं ही बताती हूँ। यहाँ पास में ही एक बुक फेयर है, सो तुम भी यहाँ पर वही देखने आए होगे ना? राइट? रॉन्ग। आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन मेरे अंदर का बुरा आदमी कह रहा है कि आप ही मुझे फॉलो कर रही हैं अब और पटाने की कोशिश कर रही हैं। Hey, you, hey, इतनी जल्दी गंदी गाली मत देना। मेरे अंदर के अच्छे आदमी के लिए, मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए, मेरे माइंड को प्रेजेंट रखने के लिए उस दिन आप मेरी बाइक पर पीछे बैठी थी, तो फिर हम क्यों ना प्यार करें, ऐसा ही बोल रहा है। क्या हुआ? मणिरत्नम की फिल्मों की तरह देखते ही प्यार, और अगले दिन ही प्यार का इजहार करने आया ऐसा सोच रही हो ना? देखो इस छोटी उम्र में अपने क्लास टीचर से एक चीज पसंद आती है, माँ से एक चीज पसंद आती है, साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स, ऐसे एक एक के पास होने वाली अच्छी चीज सबको इकट्ठा करके एक ही लड़की के पास होगी तो वो लड़की को देखते ही फटाक से उसे प्यार नहीं हो जाएगा? So, ये इंस्टेंट लव नहीं है, 25 years का लव है। आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे प्यार मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप अपना ये सैंडल उतार कर मेरे सर पर मारिए, तभी ही मुझे आपसे नफरत हो जाएगी और मैं आपके बारे में सोचूंगा ही नहीं। सिर्फ चैन से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ और आप भी अपना काम देखोगी। अब प्लीज आप मार दीजिए। 1 2 3। अब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे कभी ये सब बोलूंगी मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। इमोशन में फैसला मत लीजिए, ये आपकी लाइफ का सवाल है। कोई भी अपने दिल की बात इतनी आसानी से नहीं बताता, उसके लिए हिम्मत चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ओहो, क्या पागल की तरह हंस रहे हम। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं मैं बचपन से ही फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन जैसी बोल्ड हूँ। अब देखो ना, सच में एक हीरोइन के जैसा ही मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ऐसी एक्साइटिंग मोमेंट मेरी लाइफ में कभी नहीं आई थी, सच में मैं कांप रही हूँ।
बस इसीलिए मैं लीव डालकर अकेले एंजॉय करने जा रही हूँ। और तुम? मेरा भी एक डांस करने का मन कर रहा है। अरे डरो मत, मैं नाचने वाला नहीं हूँ, दौड़ते हुए एंजॉय करने वाला हूँ। तुम इस तरफ से दौड़ के जाना, मैं इस तरफ से चलती हूँ। अंधाधुंध में दौड़ा दौड़ा जैसे रेस में घोड़ा दौड़ा, फुल स्टॉप के बिना जिंदगी चल रही है रे। पतंग बन के उड़ने लगा हूँ मैं अंबर में, तो चुंबक की तरह वो मुझे खींचे, मैं चला उसके पीछे। तो मंजर नया सा है, हवाओं पे चल रहा हूँ मैं, जानू न माजरा ये क्या है। रहने लगी मैं जैसे मेरे ही बिना, आसमान जमीन है जैसे हवा के बिना। उड़ने लगी मैं जैसे बन के घना, अब तो रहने लगी मैं जैसे मेरे ही बिना। पहली पहली बार हुआ रे दिल ये बेकरार हुआ रे, दीवाने से हम हुए रे, मस्ताने से हम हुए रे। किया ना ये हाल जो मेरा किया तूने, घूमने लगा सारा जहान ये, हाँ जादू सा जैसे किया तूने। मुझे लगता है हमारा शक सच साबित हो जाएगा। ये हमारा शक नहीं है, बिल्कुल सच है साहब। हमारी शक की वजह से ही उसका प्यार इतना आगे बढ़ा है। क्या कर सकते हैं अब? अब हुआ चाहे जो कुछ भी है, भुगतना तो हमें पड़ेगा ना। सरोजा सेड, सरोजा सेड, सरोजिनी नायडू सेड, सरोजिनी नायडू सेड, सरोजा सेड, सरोजा सेड, यारे सरोजा सेड, सरोजा सेड, अटके हुए कैसेट की तरह दोहरा रहा है। हाथ निकाल यार, हवा से तो पन्ना पलटने दे। आ गया तू? मुझे पहले से ही शक था कि मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। तूने शक किया इसलिए नहीं आया, तू सरोजा सरोजा कर रहा था इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इतने दिनों से मेरी फीलिंग शेयर करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था, इसलिए तुझसे बात कर रहा था। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब भी तू रोएगा मैं तेरे काम जरूर आऊंगा। नहीं, अभी तो मैं खुशी खुशी हंस रहा हूँ। पागलों को देखा है, वो भी हंसते ही रहते हैं। तुझे क्या लगता है, क्या वो सब खुश है?
तेरी खुशी शर्ट पे लगे सांबर की तरह है, एक ही वॉश में निकल जाएगा बेटा। मुझे खूबसूरत लड़की प्यार करती है, वो तुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए तो जलन महसूस कर रहा है। चेहरे पर वाइपर लगाना पड़ेगा, इतनी लड़कियां थूक कर गई है तेरे मुंह पे, भूल गया? पर इस लड़की ने फटाक से बोल दिया कि आई लव यू। फिर से देखते हैं, रिवाइंड में जा भाई। अब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना रिवाइंड भी नहीं भाई, थोड़ा फॉरवर्ड कर। ऐसी एक्साइटिंग मोमेंट, ऐसी एक्साइटिंग मोमेंट मेरे लाइफ में कभी नहीं आई थी। तेरी आंखों में लगी लेंस को जरा ठीक से जूम कर ले। वो लड़की आ रही है ना, अब जरा इसकी हाथ की तरफ देख। अब उस लड़की के हाथ को देख। ये दोनों सिर्फ फ्रेंड नहीं है, इनके बीच में कुछ और भी चल रहा है। कंफर्म बोल रहा हूँ, तेरी लवर को लड़कियाँ पसंद है। तू मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है यार, वो कितनी खूबसूरत है। हाँ हाँ, खूबसूरत है तो क्या, ऐसी लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती है कि मल्लिका शेरावत उन्हें देखकर बेहोश हो जाए, पर असलियत कुछ और होती है। उसकी वॉइस कितनी स्वीट है। आजकल डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन करते हैं कि तेरी आवाज भी उसकी तरह स्वीट हो जाएगी। आज रात 9 बजे मुझे वो बीच पर मिलने वाली है। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तो यहाँ चैन से बैठने के लिए मिल रहा है। अब अपने को क्या फिक्र है, गवर्नमेंट ने अपने को राशन कार्ड, वोटर आईडी सब तो दे दिया है। अपने लोगों को जॉब मिल रही है, इसलिए पब्लिक में भी इज्जत मिल रही है। अब छे छे, ऐसा नहीं होगा। प्यार का इजहार होते ही लेट आना शुरू कर दिया क्या? हे, तुम्हारी आवाज अजीब लग रही है। तुम्हें आने में लेट हुआ इसलिए आइसक्रीम खा रही थी, समंदर के पानी से बनाया लग रहा है। ठीक है, गला पकड़ लिया है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बॉम्बे जयश्री थोड़ी हूँ। कहाँ मुझे कॉन्सर्ट में गाना है। क्या कहा, बॉम्बे जयश्री? क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? ए, तेरी गर्लफ्रेंड ही तो हूँ, ऐसे क्यों हड़बड़ा रहा है? नहीं, वो बच्चे के जैसा। अरे ये सब तो कुदरत के खिलाफ है ना। हाँ? मतलब मेरे घर में ये सब माना नहीं जाएगा। मैं देखने में थोड़ा मॉडर्न हूँ, लेकिन अंदर से बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ। फॉरेन में ये सब नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इस सब के लिए फॉरेन क्यों जा रहा है? मैंने सिर्फ तेरे पॉकेट में हाथ डाला था, तुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, बस यही ना, इतना क्यों शर्मिंदा बन रहा है? सुनो तो, ऐसा समझो कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोला? अपने बीच ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मेहरबानी करके मुझे फोन भी मत करना। ये तू क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का प्यार मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी। मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज प्लीज। प्यार नहीं चाहिए, कल ही प्यार का इजहार किया ना, अब ये डायलॉग क्यों मार रहा है? मैं वो अब प्यार नहीं चाहिए क्या मतलब है? ये सब तो प्यार नहीं होता है, ये सब तो कुछ और है। मुझे छोड़ दीजिए। राम, नो बॉस। राम, ये यहाँ मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो? चलो एटलीस्ट मुझे ड्रॉप तो कर दो। देखिए, ऐसे लोगों को मैं गाड़ी पे नहीं बैठा था, इसलिए सॉरी। व्हाट? नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हाय दोस्त। हाय राम। हाय, कौन है भैया नई पार्टी? मीर मिस्टर दारू खान, हम लोग आज बैठकर पी रहे हैं, इसकी वजह है कच्चा मैदा आटा। क्या मुस्कुराहट है, वाह। उन्हें बुरा लगेगा यार। तो जिंदा मत कर, मैदा आटे को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। सुपर यार। He is Ram, my friend, yeah. He is only salad. No दारू, no लड़के। क्या You are right, he is totally waste. ये ऐसा क्यों बोला? अरे यार, ऐसे ही बोल दिया।
तू टेस्टी है रे, वेस्ट नहीं है। यार मैदा आटे का प्यार ओके होने के स्टेज में है, मस्त मूड में है। अब तक के सारे ड्रिंक के स्पॉन्सर मैदा आटा ही है, क्या मुस्कुराहट है। ए शोइंग टू फोटो, ये देख यार। ये लड़की जिस ऑफिस में काम करती है वहीं अपने स्पॉन्सर भी काम करते हैं। कितने बड़े बड़े महापुरुष इसे पटाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं पड़ती। कोई पागल बंदा है, पिकअप करता है, ड्रॉप करता है, बीच के गैप में उसको जरूर पटा लेंगे, ये हमारे मैदा आटा भाई का भरोसा है। hey! उसके प्यार को इंकार करने वाला कोई औरत नहीं है। अच्छे ड्रिंक के बाद ट्रंक स्लिप हो गया, कोई मर्द नहीं है, कोई मर्द नहीं है। टपोरी बेवकूफ पागल, उसको कैसे गलत सोच लिया तूने, सच में मुझे तो चप्पल से मारना चाहिए। माइंड योर वर्ड्स माय डियर फ्रेंड, कांटों के झाड़ में कांटे ही उगते हैं, तुझे पहले सोचना चाहिए था। दिमाग देने वाला बेवकूफ है, बोलते हैं हाथ तक पहुंचने वाला मुंह तक नहीं पहुंच सकता, और मुंह तक पहुंचते ही खाने को नहीं दिया तूने। बहुत रुकावटों के बावजूद खिड़की में देखकर किसी लड़की को पटाया और वो प्यार फ्लॉप हो गया तो थोड़ा दुख तो होगा यार, पर इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, उसके घर वालों ने उसे लड़के जैसा पाला है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। लेकिन उस पागल के लिए तुम्हें फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पागल लड़का ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा दुश्मन तो तू ही है। रिलैक्स डूड, और याद रख अगर इस लड़के का कुछ नहीं किया तो ये अपने सिक्स पैक दिखाएगा, मैसूर पाक खिलाएगा और तेरी सरोजा को उड़ा ले जाएगा। मेरे लाइफ में आने वाली जो एक खुशी थी वो वही थी, उसको भी खत्म कर दिया तूने। अरे लड़की अभी हाथ से गई नहीं है, अभी से ओवर एक्टिंग मत कर। सच में रो रहा हूँ यार। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता वही लड़के ऐसे रोते रहते हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं जो कहूँगा जाके उस लड़के के सामने रिपीट कर दे। क्या? ये सब की वजह मैं नहीं हूँ, धारणी है, ऐसा बोल। कौन है वो धारणी? वो तो तुमसे भी ज्यादा सुपर्ब है। खूबसूरती बोलो तो क्या खूबसूरती है, वो मुझे सिंसियरली वन साइडेड प्यार करती थी। मेरी करता। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं थी, उसको कट ऑफ करने के लिए ही मेरा शादी करने का आइडिया नहीं है ऐसा झूठ बोल दिया। उस दिन उसने हमें एक साथ देखा होता तो पास में ही जो समंदर था ना उसमें तुरंत कूद भी गई होती, उसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो मुझे प्यार ही इतना करती थी। उसको मुझे हर्ट नहीं करना था इसलिए मैंने तुम्हें अवॉइड किया था। एक तरफा प्यार है कहा था ना, तो दोनों हाथों को मिला के अजीब सी ताली क्यों मार रहे हो? नहीं वो मक्खी मच्छर मार रहा था, मच्छर है ना बहुत। इन सब पे मैं यकीन करूँ क्या? गॉड प्रॉमिस, मच्छर ही मार रहा था। ओहो, मैं तुम्हारी कहानी के बारे में पूछ रही हूँ। तो मच्छर पर यकीन नहीं किया? पागल, मुझे तुम्हारी कहानी पे यकीन नहीं बोला, लेकिन अगर सच है तो हम दोनों का ब्रेकअप होना ही चाहिए। गुड बाय। इतना कुछ कहा तो भी गुड बाय कह रही है, इस लड़की को अलग तरीके से संभालना पड़ेगा। खींच के थप्पड़ मार दूं क्या? सरो, वन मिनट, नो वायलेंस। तो फिर ओनली साइलेंस। किस ले लूं क्या? What? क्या? जाके फटाक से उसके पैर पकड़ ले। चांस ही नहीं है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मैं नहीं करने वाला। अरे अरे अरे, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी। ओके ओके, गेट अप, उठ जाओ। प्यार से इनकार मत करना। क्या कर रहे हो? उठ जाओ, सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे किसने यहाँ पे मैट बिछाया था? स्लिप होकर नीचे गिर गया ना? नॉनसेंस। डांस तो तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन चेहरे पर पुरानी फिल्म के हीरोइन जैसी उदासी क्यों छाई है?
शुरू कर दिया तूने, थोड़ी देर भी खुश नहीं रहने देगा तू। तू खुश होता है तो मैं बोर हो जाता हूँ। क्या प्यार है तेरा, सोमवार को देखा, मंगलवार को प्रपोज किया, बुधवार को पिकअप किया और गुरुवार को ड्रॉप कर दिया। जैसे शाम को लोकल ट्रेन भरती है, तेरे प्यार की गाड़ी भी फटाफट 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 भर गई। अभी क्या बोलना चाह रहा है? 4 दिन में होने वाला प्यार और 4,000 में खरीदा हुआ स्मार्टफोन, इनकी कोई गारंटी नहीं होती भाई। प्यार को ओके करके 3 घंटे नहीं हुए और उतने में ही कंफ्यूज कर रहा है। मिस्टर पोपट लाल, हम जैसे घर पे पहनने के लिए एक चप्पल और बाहर पहनने के लिए दूसरी चप्पल रखते हैं, वैसे ही बाहर घुमाने के लिए तू और ऑफिस में घुमाने के लिए उस 6 पैक वाले को रखा है उसने। वैसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है तो फोन करना। अगर उस लड़की ने फोन को कट कर दिया तो पक्का वो उसी लड़के के साथ है। पापा, आपको दिल्ली में काम है बोल रहे थे ना, पंजाबी जानते हैं ना? अच्छे से। उसे पंजाबी में बोलते हैं चिकन बहुत सोना है। हेलो, अटेंड किया है लेकिन बात नहीं कर रही है। उसकी जासूसी करने के लिए इससे अच्छा चांस तुझे कभी नहीं मिलेगा। कंटिन्यू कंटिन्यू। इसको बकेट चिकन क्यों बोलते हैं पता है तुम्हें? बकेट चिकन? अरे वाह, कोई लड़की अकेले कभी बकेट चिकन खाती है क्या? कंफर्म वो उसी 6 पैक वाले के साथ है। वो है चिकन, तू है बकेट। वो चिकन खाएगी और हड्डी डालेगी बकेट में। That means you are going to become a dustbin. और ये चिकन बहुत अच्छा है। हवा मारने की आवाज से तो लगता है कि ये बीच के पास वाला होटल है। जल्दी पहुंच जा। ये क्या दूसरी तरह की आवाज सुनाई दे रही है? साइड में चिपक गई होगी क्या? चिकन खाए हुए मुंह से वो किस नहीं करेगा। पहले वो मुंह धोएगा, फिर बबल गम खाएगा। अब तू वहाँ पे जा और उसे पकड़ के उसकी ऐसी धुलाई कर कि उसका मुंह चिकन जैसा हो जाए। अरे 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 छोटू, ये क्या कर रहे हो? सॉरी माँ। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए मैं बटोर लेती हूँ। तुम जानते हो क्या? पागल, जाने दो। सॉरी ब्रदर्स, आप लोग कंटिन्यू करो। खामखा डिस्टर्ब कर दिया। ओहो, मैं कुत्ते की तरह मेहनत करता हूँ, अगर घर में बैठा रहूंगा तो इंस्पेक्टर कैसे बनूंगा? चलो फोन रखो डार्लिंग। ये भी जो है ना, वो पटाखे बाबू का आदमी है ना? पटाखे बाबू का आदमी आइडेंटिफाइड, पटाखे बाबू का आदमी आइडेंटिफाइड। ओवर। देख यार, इसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी मॉल से 10 तोला सोना लूट के आ रहा है। ए चिरगुड़ पंडित, उस सफेद पैंट वाले को कान के नीचे दे और बुला के ला। साहब बुला रहे तुझे। ठीक है चलो। क्या मुंह से फेंकू क्या? ओके ना, ऊपर से ऑर्डर है कि जो भी हो उसके अंदर डालकर अच्छे से धोना है। बहुत बोल रहा है तू। तू क्या खींच गया? देखो तो जरा, आदमी है कि नमूना है। चल चेन निकाल। कौन सी चेन? पटाखे बाबू का आदमी है ना तू? बुरा आदमी है तो क्या हुआ? डबल सेट पार्टी को कंटिन्यू मारेगा तू। चेन किधर है? कौन सी चेन सर? मैंने कोई चेन नहीं ली सर। उस दिन आपसे बचने के लिए ही मैं पटाखे बाबू का आदमी हूँ ऐसा झूठ बोल दिया था सर। पटाखे बाबू को छोड़िए सर, मैं तो दिवाली के पटाखे से भी डरता हूँ। चल इसको चेक कर। चेक कीजिए सर। सर चेन भी नहीं है, नीचे हेलमेट भी नहीं पहना है। सर चलते समय कोई हेलमेट पहनता है क्या? हेलमेट से कोई मतलब नहीं है, बिना चड्डी के पैंट पहनने वाला अक्यूज होता है। बिना लिखा कानून है, तू जानता है कि नहीं? स्टेशन के बाथरूम की तरह बास आ रही है यहाँ से। किसने गंदा किया? 4 दिन से बाथरूम साफ करने वाली औरत नहीं आई, इसीलिए बास मार रहा है। नहीं आई? नहीं आई तो गंदा ऐसे ही रहेगा। हे बटले, तू नहीं। ए पट्टे वाले, नीली टी शर्ट वाले, चल इधर आ। कोने में झाड़ू और बकेट पड़ा है, जाके बाथरूम साफ कर। सर शर्मा रहा है,
उस दिन तो बड़ा फटाफट झूठ बोल रहा था। मैंने नहीं बोला सर, साथ में जो था उसकी बात सुनकर मैंने गलती से बोल दिया। कौन था साथ में? बताऊंगा तो आप नहीं समझेंगे। तो फिर छोड़ना उसे, जाके धो। सर क्या सर्वर के पीछे पड़ा है, FIR बनाऊं क्या? बकेट कहाँ है सर? ए, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, अब तू जाके लाठी मार, पता कर कितनों के मंगलसूत्र छीने उसने। सर ये हर महीने अपना हफ्ता टाइम पे यहाँ पहुँचा देता है सर, इसका माल खाया कैसे मारूंगा सर, आप कुछ कीजिए ना, मेरी परेशानी समझिए सर। ओए सफाई कर दिया? हाँ। अंदर एक अक्यूज्ड है, उसके मुंह पर जाके लात मार। सर है, तेरी मार की आवाज बाहर तक आनी चाहिए, चल जा। मैं कैसे? जा। ठीक है सर, सर थोड़ा साइड। ए बाहर निकलूंगा ना तो मरेगा तू। ए ए अगर थोड़ा भी लगा ना मुझे तो तू तो गया समझ। हाँ। ए, ए, ए। क्या है रे, डांस कर रहा है, उछल के लात मार। लात मारेगा मुझे? हाँ? मार 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 ना, अरे मार। इसको बोलते हैं लात, तू निकाल। मुझे छोड़ूंगा नहीं रे। सर बाथरूम को इसने शीशे जैसा चमका दिया है सर। हाँ सर। बाहर मेरी बाइक, पीसी की साइकिल, साहब की जीप, ये सब खड़ी हैं। जाकर उन्हें वैसे ही नीटली साफ कर दे। ठीक है सर। इसको गुंडा होने के शक पर कैद किया और जब बाद में पता चला अच्छा है तो छोड़ दिया। हमें बेवकूफ समझकर ये झूठ बोल रहा है, मैंने देखा था ये उस समय गाड़ी धो रहा था, और भी ना जाने क्या क्या धोया होगा इसने। ए क्या हुआ रे, मारामारी करके आया है? माँ मैंने कभी ऐसा बर्ताव किया था? ए सिर्फ तेरे लिए मैं डे नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, कोई खून उन कर दिया क्या तूने? अगर ऐसा कुछ है तो पहले बता दो। भैया जो भी बात हो खुल के बता दे छोटू, मेरे मामा का जो बेटा है वो कांस्टेबल है, उससे बात करके हम तुझे बाहर निकलवा सकते हैं। भाभी मैं अभी भी बाहर ही हूँ। ओ हाँ, लेकिन तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा की भी तो कोई इज्जत है ना, उसे बचा नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़ो भी मत छोटू, तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। इससे हम इतना समझा रहे हैं लेकिन एक बार भी नहीं बोल रहा है कि दोबारा नहीं करूँगा। माँ मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये कुछ नहीं बताने वाला, सुधरना होगा तब तो बताएगा ना। देखो ये चेहरे से ही चोर नजर आता है, आज पुलिस स्टेशन तक ही गया ना, कल जेल भी जाएगा तू। बस तुम लोग देखते रहो, कुछ दिन में पेपर में छपा होगा तुम्हारे बेटे को एनकाउंटर में साफ कर दिया गया, बस यही बचा है अब। क्यों गिरा दिया रे? क्या पूरे हाथ पर स्मेल आएगी, इसलिए तुम लोग के साथ ना रहना ही अच्छा है। ऐसा मुंह क्यों बना रहा है जैसे कोई पाप कर लिया, थोड़ी सी लेकर अपने मुंह में डाल ले। अरे 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 अरे, वो बोतल इतनी महंगी है कि अगर खाली भी मिले ना तो लोग अपने शोकेस में रख लेते हैं, और तुझे तो भरी हुई मिल रही है, जल्दी चल, वेस्ट मत कर। ये सब उस बेवड़े को बोल। तू समझता क्यों नहीं, हमारे पूर्वज भी यही बात कहकर गए हैं। विस्की और सोडा, ब्रांडी और वाटर, जिन एंड लेमन, मैन एंड वुमन, ऐसे ही भगवान ने हम सबको जोड़ियों में बनाया है। अब दिमाग की बत्ती जली, मिलेगा तो पीना पड़ेगा, ये गलत नहीं है। हमेशा सही और गलत के बारे में सोचते रहते हो, होलसेल व्यापारी की तरह दुनिया भर का टेंशन अपने दिमाग में भर रखा है, और मैं तुम्हें रोज पीने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, टेंशन भुलाने के लिए कभी कभी छोटा सा मार ले, फिर असली खुशी मिलेगी, पैराशूट के बिना तू हवा में उड़ेगा। हाँ? सोच मत, बाहर जा, एक बार पी के देख, मेरी गारंटी है मजा आ जाएगा। वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, चढ़ जाएगी, लगता है इसको मालूम है क्या पी रहा है। जानकर ही पिया है बे। अरे इसको हुआ क्या है? ये क्या कर रहा है? अरे बहुत क्लियर कॉम्बिनेशन है। अरे इसका कुछ भी नहीं कर सकते यार, ये तो सुन तो रहे यार, ये तो क्या कर रहा है, ये पागल हो गया। अरे ये तो नाचने जा रहा है। इसकी टंकी फुल हो गई ना, अब निकलेगी अपनी आवाज। वाह राम, एक मिनट ना भाई। मजा, टाइट हो गए यार।
अब हम सबको घर पे कौन ड्रॉप करेगा, ये सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है यार। ए, मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर देना है। अरे ओ कालिया, तुझे पिकअप और ड्रॉप करने के लिए मैं क्या तेरा ड्राइवर हूँ नवाब की औलाद? ए रामचंद्र, पीने के बाद तेरी आवाज क्यों बदल गई थी? मैं रामचंद्र नहीं हूँ, मैं हूँ लंका पति राम। बंगार की दुकान पूछना ओवर है तो किस कर के दिखा दिया? क्या हो रहा है इधर? पीना हमारा हक है, समझा? एक बाटली का रेट है 100 रुपया और पुलिस का फाइन 500 रुपया। तूने हमको समझ क्या रखा है? रोज पीना कितना मुश्किल है मालूम है? रुक मैं बताता हूँ। पहले पैसे का झोल, या पैसे वाले दोस्त को ढूंढो। सही बोला। नहीं, मुश्किल के बाद एक बोतल खरीदी तो ढक्कन नहीं खुलता है, ऊपर ऊपर घूमता है। दोस्त बोलता है नीचे से मार, कोई बोलता है ऊपर से मार, कोई बोलता है ऐसा मार। बाद में ढक्कन खोल लिया और ऐसे उठा के एक चीज तो बताना भूल ही गया, पीने के बाद अचार भी चाहिए, तब भी असली मजा आता है भाई। इतनी मुश्किल से हम लोग पी के आते और तुम रास्ते पे खड़े होके ए इधर आ तू इधर आ पकड़ के सबको फाइन मारोगे? तुम लोगों को छोड़ दिया तो मेरे जैसे बेवड़ों की बेइज्जती है। बोल रहा है तू? पब्लिक पे हाथ उठाता है ये मारा उसे? वो अपना नेता है, नेता सही बोल रहा है वो। भाई तुम सही बोला। केले की भज्जी तेरी चमड़ी उधेड़ के बना दूंगा मच्छी तेरी। तो आजा। पुलिस के ऊपर हाथ उठाता है तो ए, इसका मार दे। अरे जुबा भाई जुबा, क्या जबरदस्त एक्शन है। फाइन मारेगा? जब तक पुलिस फाइन मारती रहेगी तब तक हम लोग पीते रहेंगे। जो पीता है ये एक बार रोज आता है वाइन शॉप बार। मिले ये यहाँ पर क्यों आया है? ए, इस वक्त यहाँ क्यों आए? मेरे को तो पसंद है और तेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं पता है मुझे, लेकिन उनसे पहले अगर मैं तुमको अपना बना लूं तो लॉक हो जा, हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। पीकर आ रहे हो क्या? तुम्हें भी चाहिए था क्या? बोलती पहले। मेरे पापा घर में नहीं है, अगर वो आ गए ना तो तेरी खैर नहीं। तुम्हारे पापा क्या ही मैंने जो मुझे एक फटका मारेंगे और मैं घूम के फिर के गिर जाऊंगा? तू ऐसे बिहेव करेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। निकल निकल अगर निकल मैं बाहर चला गया तो ये गोरा बदन किस काम का? बाहर निकल यहाँ से, नहीं तो चिल्ला के सबको बुला दूंगी। चुप, तू पब्लिक को बुलाएगी तो मैं बोलूंगा कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम साइलेंटली कोऑपरेट करोगी तो मैं वायलेंट नहीं होऊंगा।
राइट में इतना मेकअप क्यों किया है? मेरे लिए ही ना, एकदम टकाटक। आजा सरोजा। टपोरी मवाली। लड़की होके मुंह से गाली नहीं। आजा। नहीं। अरे बाप रे, क्या खाती है? क्या करे, छोड़ो। अब तो तुझे सबक सिखाना ही होगा। बालू अंकल, बालू अंकल, रुक जा, उसे क्यों बुला रही है? बालू अंकल, बालू अंकल, जल्दी आइए। बालू अंकल। खाना टेबल पे रखा है। देखो, लाखों कमा कर मेरे नाम कर दिए हो, ऐसे घोड़े बेच कर सो रहे हैं ये। ए, उठो, उठो जय प्रकाश, उठ ना। ए, पापा को नाम लेकर बुला रहा है? वो भी तो नाम से बुलाते हैं मुझे। पी कर आया है क्या? एकदम टाइट। तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई है? पीने के बाद ऐसा ही होता है, जब घर पे आता हूँ तब चिल्लाते हैं। अब चिल्ला के दिखाओ, उठो। देखा कैसे नीचे गिर गए? क्या हो गया तुम्हें? पापा नीचे गिर गए हैं और तुम उन पर हंस रहे हो? यही देखना था, पी कर आया है टपोरी। हाँ तो पी के आया हूँ, क्या कर लोगे तुम? तमीज नहीं है, भूल गया ये तेरे पापा है। क्यों चिल्ला रही है? तेरी एक एक बात के लिए दो दो फटके पड़ेंगे तेरे पति को। नहीं नहीं बाबूजी, सोफे पे जो बैठ रखा है उससे चोकू को मत मारिए। प्लीज प्लीज, ये तो अभी छोटा है ना, उन्हें आने दीजिए, फिर बात करेंगे हम। कुछ भी हो, उन्हें आने दो, बात कर लेंगे। ये क्या ओवर एक्टिंग कर रही हो? तेरा घर वाला क्या बहुत बड़ा हीरो है? इस घर का मैं हीरो हूँ और वो इस घर का जीरो है, और तू है उसकी चमची। भाभी से ऐसे बात करता है? तेरा भाई आएगा तो तुझे सड़क पे मारेगा। मैं यही सोच रहा था इन्हें कहाँ मारूं। अच्छा आइडिया दिया। क्या सासू माँ, आपने तो ये आइडिया दे दिया। जल्दी जल्दी कर। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? उसे गलती हो गई। अरे पापा को छोड़ दे, क्या कर रहा है? अरे बच्चा, अरे क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं बेटा। हाँ तो देखने दो। ये देखो, सब आ गए हमारे घर का झगड़ा देखने। मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, ऐसा कह के पूरी सोसाइटी में मेरा नाम खराब कर दिया। जो भी बात है अंदर चल के बात करते हैं ना। हमारे घर का पेपर फोकट में पढ़ने वाले भिखारियों के सामने आप मेरी बुराई करते थे ना? ये क्या कर रहा हूँ? सबसे बड़ा भिखारी राम प्रसाद, किधर जा रहा है? रुक, उधर ही रुक, देखता हूँ। देखो, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। इतने दिन से मुझे डांटने का नजारा देख रहे थे ना, अब ये भी देखो। आज के बाद कोई बाप अपने बेटे को पब्लिकली डांटने से पहले 100 बार सोचेगा। मुझे 6 स्टैंडर्ड में कम मार्क्स आए, तुम मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी पैंट उतार के पूरे सोसाइटी के सामने घुमाया था। वो दिन याद है ना? अरे छोटू, तू वो बातें अब तक दिल में रख के पापा से बदला ले रहा है क्या? बदला? अच्छा आइडिया है। छोटू, मेरी पैंट उतारी थी, धोती उतारो, उतारो धोती। बेटा तू तो नालायक लड़का था, फिर भी तो मैंने तुम्हें कॉलेज तक पढ़ाया ना बेटा। हाँ, कॉलेज से याद आया, जब मैं कॉलेज में था तो पूरा दिन स्विमिंग करने की वजह से मेरी दोनों आंखें लाल हो गई थी, पर इनको लगा कि मैं पी के आया हूँ। इन्होंने मुझे इस ओवर एक्टिंग की दुकान के सामने ये बेल्ट निकाल के मारा था। सासू माँ भी एक्टिंग करती है? माँ को नहीं, तुझे बोल रहा हूँ। और तुम सब मिल के मुझे सिर्फ इज्जत देने की एक्टिंग करते हो। सच में इज्जत कोई नहीं देता है। आज तू फंस गया, आज तू फंस गया मेरे बाप, फंस गया। आज तुझे अरे भैया आ गए। क्या दिख नहीं रहा है, क्या करो? ये लो, इन्हें भी देख लो, ओवर एक्टिंग की दुकान। रोज अपने पति के लिए खाना बचा के रखती है और मुझे बोलती है खाना खत्म। झूठी झूठी झूठी। अरे क्या कर रहा तू? बहुत हो गया इसका, चलो चप्पल से मारो। क्या तमाशा, मारो, देख के रहे हो?
आज बेटे ने बाप को चप्पल मारी दी, चप्पल भी तेरी, हाथ भी तेरा, खाने वाला बाप भी तेरा। रहने दो बेटा। अरे जा भाई जा, बाप को चप्पल से मारने वाला बेटा। बेवड़ा और पागल एक जैसे होते हैं। वाह, आज तो मजा ही आ गया। इसे खुद ही नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। बाप को चप्पल से मारता है। आ जाओ, चलिए जी अंदर चलते हैं। नशा करके आया है इसलिए सब कर रहा है। पूरे मोहल्ले के सामने मुझे चप्पल मारा। बाहर आओ, तमाशा देखने वालों, आओ आओ। अभी आज के बाद बेल्ट से मारना तो क्या, ये मुझे आंख उठा के देखने से पहले भी 100 बार सोचेगा। तुम्हारा पैसा प्यार कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार भरोसा करके देख लो, मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। ए क्या है थे? चलो चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो यहाँ से। सर्कस लगाया क्या? आ गए देखने मेरा तमाशा। अरे क्या कर रहे हो, देख रहे बेटा? तू ऐसे बिहेव करेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। निकल निकल यहाँ से, क्या कर रहा है, निकल। वाइन मारेगा क्या? जो पिए इसे एक बार, रोज जाए वाइन शॉप बार। इन सब के लिए उसे पुलिस स्टेशन से यहाँ आने की जरूरत नहीं है मामा, मेरे बाबूजी हेड कांस्टेबल को खुद जानते हैं। अच्छा। वो सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा देवर घर पे आ गया है मामा, अभी अभी मेरे सामने से गुजरा है, घर में ही है। तुमने कुछ कहा तो नहीं था? मैंने कुछ भी नहीं कहा था मामा, मेरे कुछ बोलने से। घर में जो भी बेकार सामान है अब राम के रूम में रखा जाएगा। मैं ठीक हूँ, उन्हें भी थोड़ी चोट लगी है। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। देवकी। हाँ। अभी अभी वो मवाली यहाँ से गया क्या? उसके बारे में कोई मत सोचो, सोचोगे तो ऐसा ही लगेगा। जिसकी वजह से हमारा चैन गया है उसके बारे में बातें कर रहे हो? अब जैसा तू समझ तो ही ठीक है भाई। नहीं यार, मुझे तो लग रहा पता नहीं कब वो गेट खोल के अंदर आ जाएगा। तू भी ना, जब तक सोच में है तब तक ठीक है, सामने आ गया तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर डालूंगा। माजी कपड़े आ गए। हे भगवान, कुछ दिन से छोटू घर पर नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास ही है, जैसे वो घर में कहीं छुपा हुआ है। वो जहाँ भी हो उसका ख्याल रखना भगवान, उसका दिमाग ठंडा रखना, उसको सद्बुद्धि देना, हम सबको उससे बचा के रखना। माजी। आ रही हूँ ना। हाँ 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 हाँ, 2 मिनट। क्या बात है सासू माँ, मेन स्विच ही ऑफ कर दिया। चल चल अंदर जाके काम कर, जा।
वाह, इनको कहां कहां से आइडिया आते हैं, बहुत दिमाग वाली हैं। इडली गायब हो गई। सासू माँ को भूख लगी थी क्या, या मैंने कम चढ़ाई थी? कंफ्यूजन। अरे सासू माँ, क्या हुआ? इडली कैसे बनाते हैं मैं भूल गई सासू माँ। क्या? उस दिन टीवी का रिमोट कहाँ रखी थी वो भूल गई। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने नाच के देख लिया, मैंने गा के देख लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपके बेटे का भूत मेरे आसपास घूमता रहता है। उसको घर में आने देंगे ऐसा लगता है क्या? गुड मदर। हॉल टिकट कहाँ रखा? देखते हैं। सेंट्रल इंडिया, द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इसमें कुल मिलाकर होते हैं। और कितने दिन ये छुपा छुपी का खेल खेलेगा? सुबह होते ही घर चला जाता है और रात होते ही नेताजी के पुतले के नीचे ये पढ़ पढ़ के दिमाग का दही बना दिया है। उठा के फेंक इसे पहले। मेरे पापा बोलते हैं पढ़े लिखे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ खास बन जाते हैं। तू खांसी की सिरप बनेगा? मेरी मान, चार पांच गुंडों को इकट्ठा करके भाई बन जा, एक दिन तू डॉन बनेगा। और भगवान ने चाहा तो सुपर डॉन। अब फिल्मों की हीरोइनों को ही ले ले, उन्हें कभी पढ़ा लिखा लड़का पसंद आता है? नहीं ना। पसंद आता है तो डॉन, दादा, गुंडा। अरे पेपर पढ़ ले, आजकल पैसे वाले किडनैप नहीं होते, कलेक्टर होते हैं। अगर तू ही किडनैपर हुआ तो तुझे कौन किडनैप करेगा? सरोजिनी नायडू, सरोजा। अरे चुप कर, बासी खाने को जैसे लोग कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं वैसे तेरे प्यार को फेंक कर गई है, अब नहीं आएगी, छोड़ दे उसे। क्यों नेगेटिव बात कर रहा है? अभी मेरे घर में आने लायक कर दूं क्या? वो कोई पिज्जा या बर्गर है जो तू फोन पे ऑर्डर देगा और तेरे घर पे आ जाएगी? तेरे खुद के घर पे जाने के वादे हैं और तू लड़की को घर पे लाने की बात कर रहा है? कोई मैजिक है क्या? नहीं, 100% लॉजिक है। अच्छा, उसके बारे में मैं जेन्युइनली सोचूंगा तो मेरे एंटीना की फ्रीक्वेंसी उसके एंटीना के साथ कनेक्ट हो जाएगी। वो मेरे बारे में ही सोचेगी और वो यहाँ आने को मजबूर हो जाएगी। और तभी मैं उसे साबित करूंगा कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। तू जा बे। अच्छा तू करने क्या वाला है? वो जब आएगी तो उसके सामने गरीब बच्चों को लॉलीपॉप खिलाएगा? हाँ, क्या ये है तेरा आइडिया? सोने वाली लड़की सोना मत, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। का के लड़की को पटाएगा क्या? आवाज बहुत अच्छी है, ट्रेन में जाके भीख मांगेगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर ये गाना गाया तो सरोजा नहीं कुत्ते आएंगे, मैं तो निकलता हूँ। मैं गाऊंगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा, सिर्फ उसके अलावा। मेरे अंदर जहाँ जहाँ नेगेटिव थॉट्स आते हैं वहाँ पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ सकते। चल जा, मेरी सरो को बुला के ला। जा जा जा। लड़की रे खोला खो की खिड़की रे, ख्वाबों में तेरे आ जाऊं मैं, दे दे इजाजत रे, चल मिलवाऊं बहारों से, नजरों को भर दू नजारों से, अंग अंग को मैं तेरे सवारू चांद सितारों से, मेरे दिल की हर धड़कन को तूने ही धड़काया है ना, पाँव है जमीन पर मेरे बिन पंखों के मुझको उड़ाया, सोने वाली लड़की रे खोल आँखों की खिड़की रे, ख्वाबों में तेरे आ जाऊं मैं, दे दे इजाजत रे, चल मिलवाऊं बहारों से, नजरों को भर दू नजारों से, अंग अंग को मैं तेरे सवारू चांद सितारों से। रात है मैं हूँ और बस तू है, मौसम में बिखरा जादू है, आ दोनों मिलके खुली नजर से ख्वाबों की दुनिया देखेंगे, दिल पे रहे काबू कैसे रे, मैं कसमा तेरी खुशबू से रे, दिल का जाना हो ना दीवाना, आज मैं और तू देखेंगे, जाने जायू न जा छोड़ के बाहों की दुनिया।
लड़की रे, खोल आँखों की खिड़की रे, ख्वाबों में तेरे आ जाऊं मैं, दे दे इजाजत रे। मैं करूंगा तेरे, करना भरोसा मुझ पे यार, तुम ले जाऊंगा तुझे वहां पे, है जन्मों का प्यार जहां, तुझको उड़ा के अपने परों पे दिखलाऊंगा, दुनिया नहीं सी, प्यार से अपने तुझको सजा के रखूंगा दिल में, देखना तुम प्यार मेरे दूंगा तुझे नया आसमान। स्टॉप स्टॉप, क्या यार, हम तो घर में सो रहे थे, फिर इस एरिया में कैसे आ गए, ये सोच रही हो ना? मैंने तुम्हें डीपली सोचा था, मेरी फ्रीक्वेंसी ही तुम्हें यहाँ पे ले आई है, और ये सपना नहीं सच है। देखा, ये क्या ब्लैक मैजिक है? नो, दैट्स माय ट्रू लव, और वो तुम भी करती हो, इसलिए तुम यहाँ आई हो। ट्रू लव? तुम जैसे घटिया इंसान से मैं कभी प्यार नहीं करती। फिर भी तुम पर रहम खाकर मैंने तुम्हें एक चांस दिया और तुमसे प्यार करने लगी, तो तुमने मुझ पे ही शक किया। प्यार करने वाली लड़की पर लड़के शक करेंगे तो समझो कि वो बहुत ही पजेसिव है, और वो उस लड़की से बहुत प्यार करते हैं। जब शक होता है तो ही वो ट्रू लव है। मेरे घर पे आके मुझसे बदतमीजी की, उसके पीछे तुम्हारा क्या लॉजिक था? तुम्हारी लॉजिक में मैं बुरा हूँ तो तुम भी बुरी हो। इसे तुम्हारी डायरी से फाड़ा था, June 21st, क्या हुआ था याद आ रहा है क्या? शरीर पूरा गीला है, ठंड लग रही है, इसी वक्त आसमान से बिजली कड़कने की आवाज हो और ये मुझे अपनी बाहों में जकड़ ले तो कैसा लगेगा? लड़के लड़कियों की कमर पर घूरते हैं तो तुम लड़कियां हमेशा कंप्लेन करती हो, और तुम लड़कियां हमें कहां कहां देखती हो। हाँ, अब तक किसी लड़के ने किसी लड़की की कंप्लेंट की है क्या, या फिर पुलिस ने कभी लड़कियों को अरेस्ट किया है? नहीं ना, क्योंकि लड़के ब्रॉड माइंडेड होते हैं, लड़कियां सर झुका के ही चलती हैं, लेकिन पूरी नजर लड़कों के ऊपर रहती है। बोलो, मैं सच कह रहा हूँ ना? दिस इज द लिमिट। हाँ, मैंने लिखा था, मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मुझसे शादी करने वाला इंसान अच्छा होना चाहिए। गुड बाय। वाह मेरे अच्छे आदमी वाह, देख लिया तूने, अपने तरीके से लड़की को हैंडल करने गया तो क्या हुआ है? बता बता बता, क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी एंटीना लगा के लड़की के साथ फोन कंपनी खोलने वाला है, क्या हुआ उसका? तुझे एक ही फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करती है मैं, और मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकता। टोकन नंबर 17। हेलो, सिक्योरिटी मतलब बाहर होना चाहिए, यहाँ पर बैठे हैं। मैडम, मैं दूसरे ऑफिस का सिक्योरिटी हूँ, यहाँ पर पैसे निकालने आया हूँ, टोकन नंबर 19 है, वेट करने को बोला था इसलिए वेट कर रहा हूँ। हाय कविता। हाय। ओह, सच में क्या फ्रीक्वेंसी है? सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें याद नहीं कर रही थी, मैं अभी टेंशन में हूँ, चले जाओ। अच्छा, तो तुम टेंशन में हो और आसपास के लोगों को भी टेंशन दे रही हो। मैं? चलो उठो। क्या? मेरे चिल्ला कर गाली देने से पहले उठ जाओ, कम ऑन। नाउ आई गॉट इट, मेरी नजरों के सामने सब कुछ करेक्ट है, मेरी नजर को ना दिखने वाला, मतलब कि
तुमने रिसेंटली खरीदा हुआ इनर वेयर टाइट होने का चांस है, और उसी प्रेशर में तुम टेंशन में आकर यहाँ सारे लोगों को टॉर्चर कर रही हो। तुझे कैसे पता चला? वो तो जब तुम नहा रही थी तो मैं तुम्हें झांक रहा था। ए, छे। चाहे कुछ भी हो, रोड पे चलने वाले को मेरे बारे में क्या फिकर? मेरे टी शर्ट का पॉकेट भी फट गया था। मेरा इनर वेयर टाइट है, तुम्हारा पॉकेट फटा है, इसका क्या संबंध? संबंध है। ए, ए, किसने अपनी गाड़ी यहाँ गलत तरीके से पार्क की है? पार्किंग करनी आती नहीं और गाड़ी खरीद लेते। सरो की गाड़ी की वजह से ही इतना बड़ा कांड हो गया। इतना टाइट वॉच रखने वाला मेरा प्यार कितना वेटेड है समझ में आ रहा है ना? मेरे चिल्लाकर गाली देने से पहले यहाँ से भाग जाओ। पानी पियो, कूल हो जाओगी। तेरी लव स्टोरी का यही होने वाला है। डन डन, लड़की है एकदम हसीन, लड़का भी एकदम रंगीन, और उस पे बारिश का सीन। आज तो रूप तेरा मस्ताना शायद होने ही वाला है। तेरी जिंदगी तो कोरा कागज रह गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बारिश में दोनों क्रिकेट मैच तो नहीं खेलेंगे, जवान लड़का लड़की एक साथ। क्या कस के पकड़ा था, वाह। लाइन में खड़ा होकर टिकट निकालने वाला तू, पर उस सीट पे मजे करेगा वो, तू उस ट्रेन में भीख मांगता रह जाएगा। बिना मतलब के ऐसे डरा मत यार, बारिश होगी तो मूड बनता है क्या? और पकोड़ा भी बनता है। अब बारिश से बचने के लिए वो दोनों किसी सुनसान जगह पर गए, और अगर वहाँ की बत्ती चली गई तो इन दोनों के दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आएंगे ये तू सोच ही सकता है। भाई आज तो तेरा पत्ता कट ही गया। यार मेरी ही लाइफ में भगवान ने इतना ट्विस्ट क्यों रखा है? अपने दिमाग से सोचेगा तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरे दिमाग से सोचेगा तो ये ट्विस्ट तेरे फेवर में आ सकता है। वो कैसे? तू वहाँ जा और तेरे फोन में तेरे उस लड़की के साथ जो फोटोज हैं उस लड़के को दिखा दूंगा, ऐसा सरोजा को धमकी दे। धमकी दूंगा तो? अरे रे रे रे, ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी कहेगी। क्या करने बोलेंगे? है? बारिश में रवा उपमा बनाने बोलेंगे। अब तू इस मौके का फायदा उठा और उसे धमकी दे, फिर चाहे बारिश हो ना हो, रात हो ना हो, कड़कती धूप में तुम दोनों ऊ ला ला। भगवान ने इसे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जुबान दी है, नाक भी दी है, पर जब दिमाग देने की बारी आई तो ब्रेन की जगह इसे दे दिया रावण। हाय सरू। हाय। हाय। शी इज माय फ्रेंड। Okay. Can I talk to her for a few minutes alone? Yeah, sure. I've seen you somewhere. Have you met before? No. But your face is familiar. Oh. Okay, you carry on. Okay. मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही हो ना? हाँ? मुझे देखते ही उसके साथ में क्लोज? हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तुझे देखती हूँ तो तेरे सर पे एक बड़ी हथौड़ी मारने का दिल करता है। Oh, really? और अब मैं इससे प्यार करती हूँ। कैसे एक आदमी को तुम 8 घंटे में भूल सकती हो? अरे तेरे जैसे मवाली को भूलने के लिए तो 8 सेकंड ही काफी है। Oh, I see. तू मेरे दिल में अब नहीं है, ये है। चल अब निकल यहाँ से। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। 1 मिनट। आई हैव अ स्मॉल सरप्राइज। देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है ना? ये सब दिखा कर धमकी दे रहा है? ये सब तो मेरे अंदर का बुरा आदमी बोल रहा है। अच्छा? समझ गई ना। इसके बाद तुम्हें कुछ डर नहीं लगेगा। ओहो, तो इतना अच्छा आदमी है। Yes. मुझे तो पता ही नहीं था कि एक आदमी मैं अच्छा हूँ ये प्रूव करने के लिए इतना ट्राई करेगा, पर असल में वही बुरा आदमी होता है। ऐसा क्या? बिल्कुल। मुझे राम जी के जितना अच्छा आदमी भी नहीं चाहिए, रावण के जितना बुरा भी नहीं चाहिए। बीच में श्री कृष्ण जी जैसा काफी है। आई सी। हे, बारिश रुक गई। रोहित, लेट्स गो।
या बाय बाय सी यू सून ओके बाय राम बाय बाय राम बाय बाय क्या सुबह सुबह पागलों की तरह हंस रहा है जो मैंने कहा वही हुआ ना जानता था अब तू बताएगा इतना क्यों हंस रहा है तू जो तू बोला वो नहीं हुआ ये सोच के हंस रहा हूँ तो ये सोच कर तुझे हंसना नहीं चाहिए रोना चाहिए रो मैं क्यों रोऊं रोएगा नहीं तो क्या उसकी आरती उतारेगा अरे पागल अब क्या करेगा इसके बाद तो मेरे जीवन में सबेरा होगा एक अच्छे आदमी को मिस कर दिया ऐसा वो फील करेगी अबे ये लड़कियाँ कुछ फील नहीं करती इनके लिए कुछ तो करना होगा वरना नहीं चलेगा और तो डॉक्टर को तूने ऑटो ड्राइवर बना दिया है ये सोच के रोना नहीं आता धारणी भास्कर के प्यार को प्लान करके बर्बाद कर दिया सोच के रोना नहीं आता एक ईमानदार कांस्टेबल को कितनी बेरहमी से मारा सोच कर रोना नहीं आता तुझे हाँ कहना काफी नहीं है रो मैं कितना बुरा हूँ ऐसा बोल के पूरे शहर में घूम ये पागलों की तरह हंस क्यों रहा है ना तू पढ़ाई कर पाएगा ना कामयाब होगा होगा रे इतने दिनों से मेरा सिस्टम ठीक नहीं था मेरे दिल में रहने वाला कचरा क्या है नहीं पता था लेकिन अभी उस कचरे को मैं क्लियर कर दूंगा तो जरूर मैं जीत जाऊंगा अपने दिल के कचरे को म्यूनसिपालिटी की गाड़ी में डालकर ले जाने को कहेगा क्या तू मैंने जो भी गलती की थी उसके पास जाकर मैं माफी मांगूंगा अरे जरा सा धक्का लग गया तो लोग एक दूसरे को काट डालते हैं जमाने में इतनी गलतियां करके तू माफी मांगेगा और तुझे माफ कर देंगे ऐसा नहीं होगा वो तुझे नहीं छोड़ेंगे क्या हुआ चला गया लगता है डर के भाग गया रावण आता भी अपनी मर्जी से है और जाता भी अपनी मर्जी से है तेरी नहीं और तेरे कहने से तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा तू मुझे छोड़कर चला जाए इसलिए मैंने एक आइडिया ढूंढा है मेरे शरीर में अगर दर्द होगा तो दिमाग का कंसंट्रेशन वहीं पर चला जाएगा सो तेरे आने के समय मैं अपने आप को ही दर्द दे दूंगा मैं टीवी एडवर्टाइजमेंट की तरह 5-5 सेकंड के अंदर आऊंगा तब तू क्या करेगा खुद को सुई से टच के देता रहेगा क्या तुझे बात करने दूं तो परेशानी है ए नहीं 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 अन्ना नगर जाने के लिए सोचा था यहाँ पे कैसे आ गया मैंने कुछ सोचा नहीं तो मतलब तुमने मेरे बारे में सोचा करेक्ट हाँ मैं सोच ही रही थी तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए वो किस लिए मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है किससे वो पागल रोहित हे मेरे फैसले के पीछे इंस्पिरेशन तू ही है उस दिन तूने मुझ पर शक नहीं किया होता तो वो मुझे मिलता ही नहीं ना इसलिए थैंक्स वो तेरे जैसा नहीं है जब देखो तब मुझे हंसाता है शरारतें करता है इतना ही नहीं अगर मेरा फोन एंगेज आता है तो वो डाउट नहीं करता है आई एम सो लकी क्या रे ये उस चिकने को ओवर डेमो दे रही है उसकी इमेज खराब कर दे उसका कैरेक्टर खराब है बोल के केस क्लोज कर दे तभी तेरा चांस है कहां
कॉन्ग्रेट्स। उस दिन वो पागल सॉरी रोहित, उसे देखते समय मैंने उसकी सिक्स पैक्स क्वालिटी के बारे में ही सोचा था, लेकिन जब तुमने बताया तो पता चला कि ही इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ गुड क्वालिटीज। एनीवेज ऑल द बेस्ट। तू बोलेगा तो हम लोग मिल जाएंगे क्या? तुझे जलाने के लिए उसके साथ क्लोज रहने की एक्टिंग कर रही थी। एक्स लवर को करंट लवर के बारे में बताऊंगी तो शॉक लगेगा, लेकिन उसका भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए 50 मार्क्स, और उस दिन फोन से सब कुछ डिलीट किया था ना, उसके लिए 50 मार्क्स। हे, अब तो तू पास हो गया रे। ओ वाओ, मेरा तो उड़ने का मन कर रहा है। तुम्हारे नजदीक आकर तुम्हें गले लगाकर किस करने का मन कर रहा है? क्या हुआ, तुम्हें लगा मैं ऐसा बोलूंगा? नो चांस। अंडरस्टैंडिंग तो मैंने दिखाई। लड़कियां अपनी दिलचस्पी से प्यार ओके करती हैं, लेकिन उसके बाद लड़कों के लिए वो इतना टॉर्चर बन जाती हैं। बाप रे, ये गेम से मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए हम इसका एंड कर देते हैं। तुम मेरी डिटेल्स कुछ और तरीके से जान लो, उसके बाद मैं पास हूँ या फेल हूँ तुम ही डिसाइड करना। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम एक बार तमाशा देख ही लो। ये देखो, ये मेरा फ्रेंड है अर्जुन। क्या हुआ रे, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? तेरे बाप ने डांटा या फिर तेरे भाई ने या उस पागल लड़की ने जिससे तू प्यार करता है? ए, तू भी किसके चक्कर में फंसा है रे? इस लड़की को ना अपनी लाइफ से कट कर दे, समझा? उसके जैसी बहुत मिलेंगी तुझे। वो देख पीछे ही एक बैठी है, सही है ना? वरना है क्या? सॉरी बॉस। सॉरी बोल रहे कम वक्त। उसके गाड़ी का नंबर याद कर लिया, शाम तक उसके धड़ से उसका सर अलग कर दूंगा। सॉरी बोलता है, सॉरी बोल दूं क्या? सॉरी बोलेगा? सांप का मैटर बता दिया तो ऑटो वाला तुझे एनाकोंडा की तरह निगल लेगा। नहीं नहीं नहीं, मत बता। यार, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमेशा तू ही फर्स्ट आता था। मैंने फाइनल एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए तेरे घर में सांप है ऐसा झूठ बोल दिया था। उसी डर से तुझे बुखार आ गया था तो तू एग्जाम दे नहीं पाया और फेल हो गया। मेरी वजह से ही तू अपनी पढ़ाई छोड़ के अभी ये ऑटो चला रहा है। सॉरी यार। हे, क्या सॉरी बोल रहा है? हाँ? हे, दोस्ती में सब चलता है रे, जो होता है अच्छा होता है। नौकरी के लिए चप्पल घिसने से अच्छा है कि मैं खुद का ऑटो चला रहा हूँ, है ना? थैंक्स। तूने भी यार पुरानी बातें याद दिला दी। अब तुझे वो ट्रीट याद है जो तूने दी थी? मजा आ गया था यार, कितनी मस्ती की थी हम लोगों ने साथ में। बस स्टॉप के पीछे उस लड़की के घर गए थे। एक्सक्यूज मी, गाड़ी रोकिए। सर, वन मिनट। अरे यार, अगर और मेरे बारे में जान जाओगी तो पक्का तुम मुझे अपने दिल से निकाल ही दोगी। अब आगे तुम इससे मिलने वाली हो, इसका नाम है धरणी। कौन तेरे सेलफोन का बिल भरता है जब तेको फोन पे ही लगा रहता है? इडियट कहीं का इडियट, बाकी प्लेट का कौन उठाएगा? हेलो, माइंड को यहाँ रखकर काम कर। यहाँ पर आइए। यस सर। आप क्यों टेंशन में है, पता है आपको? अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, आपकी अंडरवेयर टाइट है बोलने वाला है। ये राम तो सच में पागल है। आपने छोटे शूज पहने हुए हैं, वो टाइट होने की वजह से आप इन सारे लोगों को टेंशन में डांट रहे हैं। बिल्कुल सही सर, जल्दबाजी में अपने छोटे भाई का शू पहन के आ गया। जाके उतार कर आइए, जाइए। ओके सर। तुम बिल्कुल नहीं बदले, वही इंटेलिजेंस, सो स्वीट। बट कॉलेज में मैंने एक गलती कर दी। गलती तुमने? इंटरेस्टिंग। देखो धरणी, तुम और वो भास्कर डीपली प्यार करते थे ना? वो तो सबको पता था। भास्कर ने एक आंटी को पटा कर रखा था और उनसे ही 500,000 रुपए लेकर खर्चा करता था। इसलिए भास्कर हीरो नहीं है, आंटी हीरो है बोला था, याद है तुम्हें? हाँ। वो झूठ था। मैं भी तुमसे प्यार करता था, इसलिए उसे नेगेटिव बना दिया। उसे कट करने के बाद मैंने तुम्हें प्रपोज करने के बारे में सोचा, उतने में ही तुम दूसरे कॉलेज में चली गई। यस। मैंने एक अच्छे कपल को अलग कर दिया, तो उस दिन से आज तक मैं बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आज मैं तुम्हें प्रपोज करूँ तो हाँ बोलोगे? हाँ,
वो काजू कतरी को कट करके इस कटलेट को खा। मैं अभी दूसरी लड़की से प्यार करता हूं, नाम है सरोजा। मैंने भास्कर को फोन करके बुलाया है, आज तुम दोनों के सामने ये क्लियर कर देता हूं। मिस्टर राम। अरे तू तो यहीं पर है, सॉरी यार। हे, दोस्ती में सॉरी और थैंक्स नहीं बोलते, चल बैठ। लाइफ में ऐसी हजारों लड़कियां आएंगी और जाएंगी यार। हाँ? धारणी नहीं तो पूर्णी, पूर्णी नहीं तो धारणी, लेकिन अपनी दोस्ती के वो पुराने दिन कभी वापस आएंगे क्या? दोस्ती के लिए किसी को छोड़ सकते हैं, पर किसी के लिए अपनी दोस्ती को नहीं छोड़ सकते। क्या यार, तू तो कविताएं बोल रहा है। 5 साल के गैप में तूने दूसरी लड़की पटा ली क्या? मैंने भी ऐसा ही सोचा था यार, कि बहुत लड़कियों को पटाऊंगा, बट हम लोग अगले ही मीटिंग में एक साथ हो गए। तूने भी कितनी कोशिश की थी हमें अलग करने के लिए। शट अप भास्कर, जब प्यार सच्चा होता है तो चाहे कोई बीच में आ जाए फर्क नहीं पड़ता। हे रामचंद्र सरोजा देवी, ग्रेट कॉम्बिनेशन, ये फिल्म तो हिट होनी है, उसके बाद तेरी लाइफ की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। तेरे तो मजे हैं यार, अगले 2 हफ्ते में हमारी शादी है, लवर बीवी बनके टॉर्चर करेगी, इससे पहले थोड़ा लव कर लेते हैं यार। चल चलता हूँ, कम डाली। ठीक है यार, थैंक्स धरनी, ऑल द बेस्ट यार, कांग्रेट्स यार। कम ऑन, लेट हो गए क्या? नहीं, आई थिंक पहुंच जाएंगे। सरो, ये सब जो हुआ तुमने देखा ना? हाँ हाँ मैंने देखा, पर उस लड़की के पूछने के बाद तूने पानी पीने के बहाने टाइम लिया था, तब तू क्या सोच रहा था मैं बताऊं क्या? मैं, तुम्हें क्या बोल रही हो? मेरी बात सुन, तेरे से ज्यादा तेरे बारे में मुझे पता है, पता नहीं तेरे चक्कर में क्यों पड़ी। हे, सरोजा, सरोजा, ओ, सरो, सरो रुको तो। हे, तुम जानबूझकर जा रही हो या गुस्से में जा रही हो? पता नहीं, तुम्हारा फोन दो। हे, क्या क्या कर रहा है तू? इसके बाद आने की जरूरत नहीं है, स्काइप ऑन में ही रहने दो, और 2 मीटिंग बाकी हैं, इसमें ही देखना, तुम्हें सब पता चल जाएगा और खुद फैसला करना। माँ, क्या रे, सच में वो गधा मुझे बुला रहा है क्या? हाँ सासू माँ, मुझे भी ऐसा ही सुनाई दिया। अभी भी देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहीं पर खड़ा है। अरे भाभी, सच में मैं ही यहाँ आया हूँ, कुछ दिनों से आपको कुछ पता ना चले इसलिए छत पर ही ठहरा हुआ। हाँ? खाना पीना सोना सब कुछ यहीं पर था। भाभी, छुप के देखने पर पता चला कि आप नॉर्मल बात करती हैं तो भी एक्टिंग ही लगती है। क्या? मैं एक्टिंग करती हूँ? मैंने तेरे साथ आज तक जो भी किया सब एक्टिंग थी क्या? इस परिवार के लिए जितनी मेहनत की वो सब एक्टिंग थी? सॉरी भाभी, अभी भी आप एक्टिंग कर रही हो ऐसा ही लग रहा है। हाँ? हाँ? एजी, यहाँ आइए ना, देखिए कौन आया है। हे, तू यहाँ पर क्यों आया? हाँ? क्यों आया यहाँ पर? हाँ? अरे अरे, ये क्या कर रहे? रुक जाइए। अरे नहीं नहीं, वो पीकर आया होगा, तो पिछली चोट तो अब तक ठीक नहीं हुई है। भाभी, मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, मैंने पी नहीं है। दिन रात झूठ बोलता रहता है, माँ की कसम खाकर उसे क्यों मारना चाहता है तू? उसकी कोई बात मत सुनिए, आप पहले कांस्टेबल को फोन कीजिए, जाइए। भाभी, मैं जो बोल रहा हूँ वो, ये मुझे मार रहा है, ये मुझे मार रहा है। भाभी पे हाथ उठाएगा तू? अरे माँ पहले बोल दिया इसलिए रुक गया। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ। सब पता है मुझे। अरे रासू, भाग जा, पापा आएंगे तो। निकल यहाँ से। पापा क्या, मैं इसे मार डालूंगा। उस दिन भी बहुत नाटक किया था। वो सब मैंने होश में नहीं किया था। सब पता है तेरे बारे में, हम लोग के बारे में तू क्या सोचता है हमें सब पता चल गया। भैया निकल यहाँ से। भैया निकलेगा की नहीं? भैया क्या बस हो गया, तेरी तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। नहीं भैया। क्या नहीं? नहीं भैया, क्या नहीं? नहीं भाई, क्या नहीं है? वो आएगा तो भाई को मारने के लिए बोलेगा,
तो कौन है रे? नहीं रहा। ए, मार 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 उसे मार। एक बार झगड़ा हो गया तो भाई क्या रिश्ता क्या। चलिए ना जाओ, करो। छोटू का कोई भरोसा नहीं है। पापा को भी मेरे हाथों से भगा दिया तूने। क्या कर रहे हो, छोड़ दीजिए। अरे रास्ते पर तमाशा मत करो। पूरी सोसाइटी देख रही है क्या कर रहा है। उठा एक लात मार। सुनिए, अरे उसे गुस्सा आ रहा है, वो कुछ भी करेगा। चलिए अंदर चलिए। चल जल्दी, वहाँ पर एक चाकू है। उठा उठा उसे। रुक जा राम, कम से कम तू तो मेरी बात सुन। क्या कर रहा है? चलिए अंदर चलिए। राम रुक जा। अरे राम, छोटू राम, छोटू नहीं छोटू। काट दे, घुसा घुसा घुसा। चलिए अंदर चलिए। अरे राम, ये क्या किया तूने? आओ भैया, इस दर्द से आपका दर्द मुझे बड़ा नहीं लगेगा। आओ ना भैया, मारो। नहीं, मारो ना। सुनिए नहीं, रुको। सुनिए नहीं, कहाँ ये? ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पागल तो नहीं हो गए? रुक जाइए। हो गए क्या? रुक जाइए, वो छोटा है आपके। मत कीजिए। इतने दिन से किसी को पता न चले इसलिए छत पे छुपा हुआ था। जानता हूँ, जब ये आया तभी मुझे पता था। मेरा सपना था कि मैं अपने दोनों बेटों में से एक को कलेक्टर बनाऊं। तुझसे तो नहीं हो पाया। ये बेचारा तो कोशिश कर रहा है ना, अब वो चीज नहीं हो पा रही है तो इसे दर्द तो होगा ना, और उसी दर्द में इसने गलती कर दी। हम दोनों के बीच में एक दूरी रहेगी तो इसे डर होगा, यही सोचा था। लेकिन ये तो मेरा दुश्मन ही बन गया। नहीं चाहिए अब, आज से ये सब छोड़ दे। क्या हुआ? मेरे पापा मुझे कलेक्टर बनाना चाहते थे, नहीं बनाना। मैं तुझे कलेक्टर बनाना चाहता हूँ। अब तू नहीं बन पा रहा है तो तेरा बेटा बन जाएगा। अगर उससे भी नहीं हुआ तो उसका बेटा देख लेगा। चला जा। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद तुझे इस घर में कोई कुछ नहीं बोलने वाला। तेरी जो मर्जी है वो कर, अपने मरने तक मैं तुझे बिठा कर खिलाऊंगा। मार कर ही छोड़ देना था। चार दिन में घाव तो भर गया होता। अच्छी तरह से पकड़ कर फुल पिला दिया उसने। तू भी पिला के लेफ्ट में चला गया था। डीएसपी राइट से आ गए थे, मेरे प्रमोशन के लिए उन्होंने ही साइन किया था। मैं भी तो फुल टाइट था ना। उस आदमी ने जो बोला मैं कान खोल के सुन नहीं पाया। वो गाली गलौज थी। मुझे देख कर उन्होंने कहा, हे, तेरे प्रमोशन को कैंसिल करने वाला हूँ मैं। शॉक्ड हो गया था। मुझे देख के पूछ रहे थे, ड्यूटी के टाइम में ऐसे पी के खड़ा है, क्या परेशानी है तुझे? पूछने लगे तेरी बीवी भाग गई है। डर के मैंने हाँ कह दिया। बहुत बेइज्जती हो गई थी। hey, तू जा ऐसा क्या देख रहा है? जा, बेअकल गई का। लफड़ा वहीं पर खत्म हो गया क्या? पिछले शुक्रवार की बात है, मेरी बीवी झकझक ड्रेस पहन के परी जैसी फूल और टिकली लगाकर मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। पनौती वहां भी पीछे पड़ गई। डीएसपी ने उसे देख लिया। मेरी बीवी को देखकर वो उससे पूछने लगे, तू भागने वाली है क्या? पब्लिक में ऐसे बोल्ड बन के आई है, तू जरूर भागेगी, मुझे पता है। मेरी बीवी ने घर आकर जानते हो क्या किया? चप्पल उठाकर कान के नीचे दे मारा। क्यों जी? खुद इंस्पेक्टर बनने के चक्कर में मुझे भागने वाली बना दिया। क्या मेरा बेटा तुम्हारा बेटा नहीं है? फिर मेरे सामने कभी मत आना कहकर घर छोड़कर चली गई। सर सर, आप चाहो तो मैं आपकी मिसेस को सॉरी बोल दूं क्या? उन सबकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर लूंगा। पर इसके बाद कभी मत पीना। अगर पिएगा ना तो शादी करने के लिए लड़की नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो आधे में ही छोड़कर चली जाएगी। संभल कर रहना। वैसे तुझे देखकर ये तो नहीं लग रहा है कि तू छोड़ेगा। संभल कर रहना, चल जा। सर आप भगवान हो सर। चुप रे नालायक। इसका भगवान बनकर मुझे क्या मिलने वाला है? जैसे इसे हाथ से मारा उसे भी मार सकता हूँ। प्रमोशन मिल गई तो हाथ में गन आ जाएगी, तब उसे भगा कर शूट करूंगा। जरा कर दो साहब। अरे अभी मामला बहुत टाइट है, समझ? सर कोशिश करो, हो जाएगा। अभी क्या फैसला लेना है? तुम अभी भी कंफ्यूज हो रही हो ना? नमस्ते सर। जल्दी मत करो, मेरे आईएएस एग्जाम देने तक मेरे पास टाइम है। सोच समझ के फैसला करना। रोड पे ही पूरी पिक्चर देख डालेगी क्या? घर पे जाके देख, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है क्या? आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। रोड पे चलने के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं।
धनानगर पुलिस डिपार्टमेंट की प्रमोशन लिस्ट। हेड कांस्टेबल अंडर 98 धनापाल प्रमोट टू अन्नानगर पुलिस स्टेशन। हेड कांस्टेबल अंडर 90 एम कृष्णा प्रमोट टू शायदा पुलिस स्टेशन। हेड कांस्टेबल अंडर 91 आर पांडियन। इनको फिलहाल मुख्य अपराधी को पकड़ने की वजह से डिपार्टमेंट ने डबल प्रमोशन दिया है। रामापुरम पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर की पोस्ट दी जा रही है। सर विपन सर 303 राइफल्स 91 पिस्टल बुलेट्स रिवॉल्वर बुलेट्स 91 पिस्टल। सर अपने यूनिट में रामचंद्र नाम के लड़के ने आईएस क्लियर किया था सर, अपने स्टेशन में वेरिफिकेशन के लिए आया है। आपका सिग्नेचर उसे कलेक्टर बना सकता है सर। ये कलेक्टर नहीं बनेगा। कल तू कलेक्टर बनेगा, आज ही ऑटो स्टैंड पे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, सबको बताऊंगा कि तू मेरा क्लोज फ्रेंड है, अपना भाव बढ़ जाएगा यार। तो अब क्या, अब तू मुझे अपने ऑटो में सीधे अगवा करके उठा ले जाएगा? समझा नहीं सर। अभी समझ जाएगा। ए बाबू इधर आ। सर बच्चे को अगवा करने का केस लेकर 16 केस हैं, बच के चला जा छोड़ दूंगा, लेकिन अप्रूवल चाहिए, अपने नेता को पकड़वा दे। सर मैं हमेशा अकेले ही करता हूँ, नेता वेता कुछ नहीं सर। यही है आ? इसके लिए सारा काम किया है, यही बोलना होगा। हाँ सर मैंने और इसने मिलके ही किया था सर। इसका नाम क्या है सर? रमेश। हरि कुमार सर। राजू सर। हाय। यहाँ एक साइन कर दो सर, फोकट में जो पुलिस वाले बैठते हैं उनको दिखा के पैसे ले लूंगा सर। ए ये सब बहुत ओवर हो रहा है। ये लोग ऐसे ही है यार, मेरे दोस्त है ना, बेचारे मेरे जैसे अनपढ़ लोग हैं यार। पढ़े लिखे आदमी है, वो जो बोलते हैं हम वही काम करते हैं। एटीएम में डाका डालते हैं, कोली बच्चों को अगवा करते हैं और आदमियों को उठवा लेते हैं, बाद में डील करके जब वो पैसे दे देते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं सर। वो हमारे लीडर हैं सर, वो हमें जो देते हैं हम चुपचाप रख लेते हैं सर। यार गाड़ी रोकना। क्यों रे, घर तक छोड़ देता हूँ ना। ए कल से तेरे साहब इसी रूट से कार में घूमने वाले हैं। आज लास्ट है इसलिए चलने का मन कर रहा है। ए मेरे सामने अभी से भाव खाने लगा भाई। हाँ। पेट में जलन हो रही यार, देखना पीछे बैग में जलसर की बोतल होगी, उसे निकाल के देना जरा। हाँ ठीक है। इसके बाद ना जरा दारू कम पीना। यार चल जल्दी। सर मैं राम, याद नहीं आया? ए, याद है इसीलिए गोली मार रहा हूं। सर 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 देख के गोली मारी है सर, गलती से नेता के पुत्ते पे गोली लग गई तो हम लोग तो गए साहब। एक बार गोली लग चुकी है सर, पूरे देश में हंगामा हो गया था। अरे उसे माफ कर दीजिए सर, आप भी बोला ना माफ कर दीजिए सर। मेरी बात मानिए सर, गोली मत चलाइए। हे राम मेरी बीवी ने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। नहीं आमतौर पर एक अक्यूज्ड को 10 फुट के अंदर गोली मारो तो वो ऑफेंस है, बाद में पूरी जिंदगी ह्यूमन राइट्स कमीशन में दर दर भटकना पड़ेगा। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं। नहीं बोल रहा हूं सर। अरे क्या हो गया, अपने आदमी को गोली मार रही है तो।
ये गन भी धोखा देती है। रुक मैं हेलो हेलो यार कहाँ है तू? पुलिस मुझे गोली मार रही है, तुरंत अपने एमजीआर पुतले के पास आ, मुझे आके बचा ले यार। अभी तक तू जिंदा है क्या? क्या बोल रहा है तू? तू जर्सी निकालने के लिए बैग के अंदर हाथ डाला था ना, उसके अंदर सांप को भी रखा था। थोड़ी देर में जहर चढ़ जाएगा और तू खुद मर जाएगा। तू कलेक्टर बनेगा और मैं ऑटो चलाऊंगा, इसीलिए बदला लिया है। इस गन की तो क्यों भाई, सांप के साथ ऐसा क्या किया जो उसने तुझे काट लिया? जैसे कोई अपने प्रमोशन के लिए जानवर की बलि देता है, वैसे पुलिस वाले आज तेरी बलि चढ़ाएंगे। सोच क्या रहा है, जैसे पड़ोसी के आंगन से आम चुरा के भागता था, वैसे ही भागना पड़ेगा। भाग भाग भाग। ए, भागने से जहर सर में चढ़ेगा और मैं मर जाऊंगा। अरे रुकेगा तो भी मर जाएगा, पुलिस की गोली खाएगा तो नर्क में जाएगा। सांप के काटने से मरा तो स्वर्ग भी मिल सकता है, और स्वर्ग में रंभा उर्वशी मेनका होंगी और तेरी वो सरोजा तो उनके सामने पानी कम चाय है। वहाँ हम दोनों मिलकर सोमरस पियेंगे, सोमरस के साथ खाने के लिए पकौड़े भी बनाएंगे। क्या मस्त लाइफ होगी। वो आ रहा है, भाग भाग जल्दी भाग। अब आया लाइन पे। मेरे लिए बहुत सारे लोग होंगे, तो भी मेरे लिए बहुत क्लोज तू ही है। खुद से बात कर रहा है तू? अगर नेगेटिव बात करेगा तो मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, समझ गया? और तू अगर पॉजिटिव बात करेगा तो मुझे घिरा हुआ सुरक्षा का गोला बड़ा हो जाएगा और मुझे पांडियन गोली नहीं मार पाएगा। देख भाई, मोहल्ले में होली से और पुलिस वाले की गोली से कोई बच नहीं सकता। पॉजिटिव घेरा बढ़ाने से पहले वो तेरे फोटो पर फूल चढ़ा देगा, इससे पहले तू ही उसे टपका दे। कुछ कर। उसे मार के मुझे जेल जाने को बोल रहा है क्या? मुझे कलेक्टर बनना है, सरोजा से शादी करनी है, मेरी शादी में बड़े बड़े वीआईपी लोग आएंगे। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है, हम मर के स्वर्ग में जाएंगे ना, तो वहाँ भी बड़े बड़े वीआईपी से मिलने का मौका मिलेगा हमें। हाँ, आंखों से ना देखे स्वर्ग से ज्यादा आंखों से दिखने वाली धरती काफी अच्छी है। ऐसे डर डर के मरने से तो अच्छा है कि हम एक ही बार मर जाएं, है ना? इस एमजीआर के पुतले के सामने तेरी रावण की बातें नहीं चलेंगी। एमजीआर मुझे जरूर बचाएगा। मैंने कई लोगों से दोस्ती की है, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहने वाला सिर्फ तू है। इस दुनिया में किसी ने भी अपनी आत्मा को कोई रूप नहीं दिया, लेकिन मैंने तुझे रूप दिया। तू मेरा बुरा करने का ही सोच रहा है, लेकिन तूने मेरी भलाई ही की है। तेरी वजह से मुझे मेरी प्रेमिका मिली, तेरी वजह से ही मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरी समझ में आया। इन सब के लिए तेरा शुक्रिया। इसके बाद क्या, मैं मर जाऊंगा इतना ही ना? ठीक है तो मरता हूं। इसे बचाने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा। सर सर, आप एक अच्छे ऑफिसर हो सर। अच्छे ऑफिसर हो सर। बिना डरे मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। बिना डरे मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए सर। मुझे देखिए सर, मुझे देखिए सर। देखिए मुझे सांप ने काटा है। मुझे सांप ने काटा है। फिर भी मैं कूल नहीं हूँ सर। फिर भी मैं कूल नहीं हूँ सर। स्टेशन में 3 लाख रुपए आने के बाद, स्टेशन में 3 लाख रुपए आने के बाद भी आपने पैसे का लालच किया बिना, पैसे का लालच किया बिना से अपना फर्ज निभाया, से अपना फर्ज निभाया। और 2008 में आपने, 2008 में आपने दो टेररिस्टों को पकड़वाया, आपने दो टेररिस्टों को पकड़वाया। 2010 में सर, 2010 में आपने बॉम्ब ब्लास्ट रोके हैं सर। इतना अच्छा नाम कमा कर आप इंस्पेक्टर अच्छा बने हैं। नाम कमा कर आप इंस्पेक्टर बने तो मुझे गोली मार कर अपना मुझे नाम खराब मत कीजिए सर। अपना नाम खराब मत कीजिए सर। आपके अंदर के बुरे आदमी को मार दीजिए। मेहरबानी करके आपके अंदर के बुरे आदमी को आप मार दीजिए सर, प्लीज सर। ये इंसान भी ऐसा ही है, एक तो जो चीज अभी तक हुई नहीं उसके बारे में कल्पना करेंगे, और दूसरा जो चीज शायद कभी ना हो सोच के उदास हो जाते हैं। इसीलिए मैं जानता हूँ जब तक तुम ऐसा सोचोगे तुम हमेशा मेरे गुलाम ही रहोगे। जो होने वाला है उसे छोड़ो, जो हुआ नहीं उसे भी छोड़ो, जो जिंदगी तुम्हें मिली है उसे अपने पूरे दिल से जीने की कोशिश करो। तब देखना इंसान के सामने आत्मा हमेशा गुलाम बनकर ही रहेगी। आज तेरी अच्छाई ने इस रावण को भी अच्छा बना दिया। ठीक है, मैं ही तुझे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले चलता हूँ। बातों से ही तूने मुझे पटा लिया। कल तू कलेक्टर बनेगा, मैं तेरे को सल्यूट करूंगा।
अब क्या हुआ हा? मैं यहाँ खड़ा रहकर तुमसे बात नहीं करूँ, इतना ही ना। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, कोई टेंशन मत लो, ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ, सब ओके। चल, कमाल की लड़की है यार, बिना सोचे समझे कुछ भी दिमाग में भर लेती है। अभी जैसे मेरे पापा चाहते हैं वैसे मैं कलेक्टर बन गया हूँ, बस तुम्हारे ओके बोलने की देरी है। अच्छा वैसे तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वैसे चीफ सेक्रेटरी तो बन गया हूँ। राम ए, एक मिनट रुको, और एक मैटर है, मैं सिगरेट भी पीता हूँ, ये एक खराबी है मुझ में। चलो अब बोलो मेरे बारे में क्या डिसाइड कर रही हो। मेरे पापा आज तक मेरी मम्मी से छुपके सिगरेट पीते आ रहे हैं, लेकिन तूने डेयरिंग करके मुझे सब कुछ बता दिया। तेरा दिल मुझे पसंद है, एक्चुअली अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा तो अब मैं तुम्हें गले लगाकर किस कर सकता हूँ? राम, रुको, अरे सब रुको तो। राम।